ये जानने के लिए हमें कृतिका के अपने हनीमून से वापस लौटने का इंतजार करना होगा, तब तुम उससे ये सवाल कर सकते हो, अनुराधा ने कहा। वैसे मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हें जरूर अपना पिता मानेगी। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि शायद उसकी वजह से तुम मुझे दिल से प्यार नहीं करोगे। अनुराधा की उस आखिरी बात ने ही आज गोस्वामी को इतनी घबराहट में डाल दिया था। कृतिका से अपने दिल की बात कहने में वो बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन कृतिका इस वक्त एकदम चुप थी। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो इतनी शॉक्ड थी कि उसके दिमाग ने उस पल में काम करना बंद कर दिया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोस्वामी उससे ऐसा कुछ कहेगा। वो ये सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हैरानी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। गोस्वामी ने घबराते हुए आगे अपनी बात एक्सप्लेन की। वो जब भी तुम मुझे अंकल कहती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों के बीच एक लंबी खाई है और उस खाई के एक छोर पर तुम हो और दूसरे पर मैं। तुम अनु को माँ बुलाती हो और मुझे अंकल। ये सुनने में काफी अजीब लगता है। मैंने अनु से शादी की है, इस नाते तुम उसके साथ साथ मेरी भी बेटी हुई ना, और मैं तुम्हें दिल से अपनी बेटी मानता भी हूँ। मैं तुम्हारा पिता बनना चाहता हूँ, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे हक के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का नाम कृतिका है, ताकि कोई भी तुमसे उलझने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। मैं चाहता हूँ कि जब कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे तो तुम बिना डरे उससे कहो कि मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते नहीं हो कि मेरे डैड कौन है। अनुराधा गोस्वामी की बातों को सुनकर मन ही मन हंस पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। वो हंसती भी क्यों नहीं, गोस्वामी कृतिका को ऐसे अपनी बात समझा रहा था जैसे कोई वो 6 या 7 साल की बच्ची है। प्लीज मेरी बातों से नाराज मत होना, गोस्वामी ने ध्यान से कहा। वीरेंद्र ने कभी तुम्हारे पिता होने के कर्तव्य को नहीं निभाया। वो हमेशा तुमसे निर्दयी तरीके से पेश आया। एक लाइन में कहूं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई पिता था ही नहीं। तुम उसके बगैर ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती आई हो। तुम खुद भी उसे अपना पिता नहीं मानती। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गोस्वामी कृतिका के मुंह से सुनना चाहता था कि वो वीरेंद्र को अपना पिता नहीं मानती है, लेकिन कृतिका चुप रही। वो अब तक भी इस हालत में नहीं आई थी कि वो उसकी किसी बात पर रिप्लाई कर सके। घबराहट के मारे गोस्वामी के सिर पर पसीने की कुछ बूंद उभर आई। मैं तुम्हारा पिता बनना चाहता हूँ और उस जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ जिसे वीरेंद्र को निभाना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि आज से हम एक पूरा परिवार बन जाएं। मेरी वजह से खुद को अपनी माँ से दूर मत करो कृति, और मुझे अंकल कहकर अपने करीब आने से मत रोको। तुम्हारा मुझे अंकल कहना मुझको ये एहसास दिलाता है कि हम सब एक परिवार ना होकर अलग अलग परिवार से जुड़े हुए हैं। कृतिका अनुराधा से धीरे धीरे खुद को दूर कर रही थी ताकि वो और गोस्वामी अपना एक नया परिवार बना सकें। लेकिन गोस्वामी को ये बात कतई मंजूर नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि कृतिका उन दोनों के लिए इस तरह का सेक्रिफाइस करे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम दोनों माँ बेटी की जिंदगी में आकर मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है, गोस्वामी ने आगे कहा। ये बात मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। फाइनली कृतिका खुद को लगे शौक से उबर गई। उसने तेजी से कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कि तुम्हें देखकर मैं ये सोचा करता होऊंगा कि अनुराधा ने कितने घटिया इंसान की बेटी को जन्म दिया है, गोस्वामी ने कहा। लेकिन मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। मैं खुद को कोई महान इंसान नहीं समझता हूँ। मेरी भी पहले एक शादी हो चुकी है। वो मेरी गलती थी कि मैं उस घटिया औरत की चाल में फंस गया।
एक तरह से मैंने अनुराधा को धोखा दिया। अगर मैंने खुद को उस औरत के जाल में फंसने से रोक लिया होता तो अनुराधा कभी वीरेंद्र की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती। अगर मुझे कभी किसी से नफरत होगी तो वो नफरत मुझे खुद से होगी, ना कि तुमसे। जानती हो, मैंने अपने और अनुराधा के लिए वो आलिशान विला क्यों खरीदा? क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन मेरी बेटी माँ जरूर बनेगी, और तब जब वो अपने बच्चे को साथ लेकर उसके नाना नानी के पास रहने के लिए आएगी तो उस बच्चे के पास खेलकूद के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी। गोस्वामी की उन बातों को सुनते सुनते कृतिका अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को दबाकर रोने लग गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि गोस्वामी के दिल में उसे लेकर इतने अच्छे ख्यालात होंगे। वो वीरेंद्र की बायोलॉजिकल बेटी थी, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उसे अपनी खुद की बेटी मानने के लिए तैयार भी था। कृतिका के मन में गोस्वामी को लेकर और भी ख्याल उमड़ने लगे थे। जब गोस्वामी को पता चला था कि आदित्य उससे नफरत करता है, ये सोचकर कि उसका बैकग्राउंड कुछ अच्छा खास नहीं, तब उसने उसके लिए क्या किया था? वो उसकी माँ को अपने साथ शहर के मेयर की पार्टी में लेकर गया। वहाँ उस पार्टी में आदित्य भी मौजूद था। वो उसे ये दिखाना चाहता था कि देखो, अनुराधा मेरी वाइफ है और उसकी बेटी मेरी बेटी। इसलिए उसे छोटा या लो क्लास फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की समझने की गलती मत करो। कृतिका ये सारी बातें याद करते हुए रोए जा रही थी। अगर तुम मुझे डैड नहीं भी पुकारना चाहोगी तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों नहीं कह सकती हो, गोस्वामी ने कहा। इसका कारण था कृतिका अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। ऊपर से वो सच में उसका अपना पिता तो था नहीं, वो ऐसे ही कैसे किसी को भी डैड कहकर पुकारने लग जाती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि भले ही तुम मुझे अपना डैड मानने से इनकार कर दो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानूंगा। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझसे हेल्प मांग सकती हो। तुम्हें बस एक बार मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, बस फिर मैं आपको अपना डैड मानती हूँ। गोस्वामी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक कृतिका बोल पड़ी। एक्चुअल में वो ये सुनने के लिए तैयार था कि कृतिका उसे अपना डैड नहीं मानेगी। वो खुद से यही कह रहा था कि कोई बात नहीं, वो एकदम अचानक से तुम्हें अपना पिता नहीं मान सकती है, उसे थोड़ा वक्त दो, तुम्हारी अच्छाइयों को देख एक न एक दिन वो तुम्हें अपना पिता जरूर मानेगी। लेकिन कृतिका की रिप्लाई को सुन वो लड़खड़ा गया, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं आपको अपना डैड मानने के लिए तैयार हूँ, कृतिका ने अपनी बात दोहराई। बस मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे कभी अपनी बेटी मानेंगे। इतना कहने के बाद कृतिका ने गहरी सांस ली। मैंने ये उम्मीद कब की छोड़ दी थी कि इस जन्म में मुझे कभी पिता का प्यार मिलेगा। आपके हमारी जिंदगी में आने के बाद मैं बस इतना चाहती थी कि आप मेरी माँ को प्यार करें और उनका ख्याल रखें, लेकिन आप मुझे अपनी बेटी होने का दर्जा देंगे और मैं आपको पिता कहकर बुला पाऊंगी। ये बात कभी मेरे जहन में आई ही नहीं। जब आपने मुझसे कहा कि मैं आपको अंकल की जगह डैड कहकर पुकारूं, तो मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मैं हमेशा से अपने दिल को यही कहती आ रही थी कि मेरा कोई पिता नहीं। कृतिका की उस आखिरी बात को सुनकर गोस्वामी को ये भरोसा हो गया कि उसने कभी भी वीरेंद्र को अपना पिता नहीं माना है। कृतिका जो कुछ भी कह रही थी उस दौरान उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ भी कहते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। अनुराधा का भी काफी हद तक यही हाल था। उसकी बेटी फूट फूट कर इसलिए रो रही थी क्योंकि आज पहली बार किसी ने उस पर पिता का प्यार बरसाया था। इस एहसास को उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। और मत रो कृति बेटा, गोस्वामी का खुद का गला भी अब बैठ चुका था। आज से मैं तुम्हारा डैड हूँ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और किसी भी तरह की चिंता करना बंद कर दो।
आने वाले 10-20 साल तक तो मेरी हेल्थ को कुछ होने से रहा, तो आने वाले इन सभी सालों में मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक लायक पिता का प्यार भी दूंगा। गोस्वामी अब खुद पर प्राउड फील करने लगा था। तुम 23 की हो, तुम्हें कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 20 से 30 साल तक तुम्हें पिता के प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होगी। फूट फूट कर रोने के कारण कृतिका के होंठ और कंधे कांप रहे थे। उसने धीरे से अपने सिर को हिलाते हुए गोस्वामी की बात पर हामी भरी और फिर कहा, डैड, आज से मैं कभी अंकल कहकर नहीं पुकारूंगी। गोस्वामी की आंखें भी थोड़ी थोड़ी लाल हो गई। वो खुश था और इमोशनल भी। थैंक्स बेटा, अपनी बेटी के रूप में तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। गोस्वामी से पहले कृतिका वीरेंद्र को डैड कहकर पुकारती थी, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। देखा जाए तो वो उसे डैड कहकर कभी पुकारना नहीं चाहती थी। वो तो ये भूल भी गई थी कि डैड शब्द कहते कैसे हैं। इस वक्त उसके मुंह से गोस्वामी के लिए निकला डैड शब्द एक्चुअल में उसके दिल से निकला था। कृतिका दिल से गोस्वामी के शुक्रगुजार थी, जो वो उसे अपनी बेटी मानने के लिए तैयार था। जिस प्यार को पाने की उम्मीद उसे अपने पिता वीरेंद्र से थी, वो प्यार उसे वीरेंद्र से ना मिलकर गोस्वामी से मिल रहा था। डैड, कृतिका ने एक बार फिर से गोस्वामी को डैड कहकर पुकारा। गोस्वामी खुशी से चहक उठा। उसकी पलकों में आंसू की एक मोटी परत उभर आई, जिसे उसने चुपके से पोंछ लिया। बहुत बढ़िया, जैसे अभी अभी तुमने मुझे डैड कहकर पुकारा है, बिल्कुल वैसे ही आगे भी तुम्हें हमेशा मुझे डैड कहकर ही पुकारना है। अब से वो कृतिका का पिता था। वीरेंद्र जैसे कमीने को अब ये भूल जाना चाहिए था कि वो उसकी बायोलॉजिकल चाइल्ड है। आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक है, गोस्वामी हंसते हुए बोला। निखिल, मेरा साथ दो, चलो हम दोनों चलकर ड्रिंक करते हैं। अनुराधा की याद में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सालों पहले गोस्वामी ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। हाँ, लेकिन उसने खुद को कभी इसकी लत नहीं लगने दी थी। वो हर दिन एक लिमिटेड अमाउंट में ड्रिंक करता था। उसके लिए ये एक तरह से मेडिसिन का भी काम करती थी। वो हमेशा टीवी देखते हुए 1-2 पैक विस्की के लगा लिया करता था। अनुराधा के एक बार फिर से उसकी जिंदगी में आने के बाद उसने अपनी इस आदत को अनुराधा से छिपाया नहीं। हाँ, लेकिन अनुराधा के कहने पर उसने रोज 2 की जगह अब बस 1 पैग विस्की पीने की आदत डाल ली थी। वो 1 पैग से ज्यादा कभी भी ड्रिंक नहीं करता था। वो अपने कमरे से विस्की की बोतल लाने के लिए चला गया। इधर अनुराधा और कृतिका किचन में डिनर बनाने के लिए आ गए। कृतिका की आंखें रोने के कारण थोड़ी लाल होने के साथ साथ सूज गई थी, लेकिन अनुराधा खुश थी। उसकी बेटी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। फाइनली अब उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा था। कृतिका ने धीमी आवाज में अनुराधा से कहा, माँ, आपने सच में एक सच्चे और अच्छे इंसान से प्यार किया है। हाँ, वो तो है, अनुराधा चहकते हुए बोली, और तुमने भी। निखिल का जिक्र होते ही कृतिका को ये एहसास होने लगा कि जरूर निखिल उसका लकी स्टार है। उसकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होना तब शुरू हुआ जब निखिल उसकी जिंदगी में आया। अगर वो निखिल से नहीं मिलती तो शायद वो कभी राठौर फैमिली के फैलाए गए जाल से खुद को बचा नहीं पाती। कृतिका को ये बात मालूम नहीं थी कि वीरेंद्र ने डायरेक्टर फरहान को सोनाली के बदले पुलिस के सामने कृतिका का नाम लेकर उसे फंसाने के लिए कहा था, लेकिन निखिल की धमकी के कारण उसने वीरेंद्र की बात नहीं मानी। अगर कृतिका निखिल से नहीं मिली होती तो फरहान निश्चित ही वीरेंद्र के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। यानी इस वक्त कृतिका ठीक वैसे ही जेल में होती जैसे वो अपने पिछले जन्म में थी। फरहान ने वीरेंद्र की बात नहीं मानी,
इसके बाद वीरेंद्र के पास और कोई ऐसा सबूत नहीं रह गया जिससे कि वो सोनाली की इमेज को बर्बाद होने से बचाकर उसकी जगह कृतिका को जेल भेज सके और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। वो बेचारा अपना मन महसूस कर रह गया। हो सकता है कि निखिल की मदद के बिना वो शुरू में खुद को पुलिस के हाथों पड़ने से बचा लेती, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता था? नहीं। जब वो निखिल के कमरे में कूदी और जब पुलिस ने उस कमरे में आकर निखिल और कृतिका से पूछताछ की, अगर तब निखिल ने पुलिस वालों को ये कह दिया होता कि हाँ, ये लड़की बगल वाले कमरे से मेरे कमरे में आई है, तब क्या होता? पुलिस तुरंत कृतिका को पकड़ लेती, यानी निखिल की मदद के बिना कृतिका जेल जाने से कभी बच नहीं पाती। बिना निखिल की मदद के तो कृतिका को ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में जॉब तक नहीं मिलता। निखिल ने उसकी जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी को पानी की एक आम बूंद से शिपी से बाहर आने वाली मोती में बदल दिया था। निखिल अगर उसे और उसकी माँ को न्यू ईयर के दिन अपने घर लेकर नहीं गया होता तो उसकी माँ की मुलाकात कभी गोस्वामी से नहीं होती। वो दोबारा से कभी उसकी माँ की जिंदगी में नहीं आता और ना ही उससे शादी करता। अब गोस्वामी न सिर्फ उसकी माँ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका था, बल्कि वो उसे भी अपनी बेटी मान चुका था। अगर निखिल उसकी जिंदगी में नहीं होता तो उसकी माँ को कभी ये पता नहीं चलता कि गोस्वामी वापस से मुंबई आया है। गोस्वामी भी ये कभी नहीं जान पाता कि उसकी माँ वीरेंद्र को तलाक दे चुकी है और वो कभी उसे ढूंढते हुए उनके पास उनके घर नहीं आता। और इस तरह से जो कुछ उसके साथ उसके पिछले जन्म में हुआ था वो सब उसके इस जन्म में भी बिल्कुल वैसे ही उसके साथ होता रहता। उसकी पिछली जिंदगी में भी न्यूयॉर्क के वक्त गोस्वामी ओबेरॉय परिवार से मिलने के लिए ओल्ड ओबेरॉय मेंशन जरूर आया होगा, लेकिन वो उसकी माँ और उसकी जिंदगी में कभी नहीं आ पाया। उस जिंदगी में अनुराधा मरने से पहले भी अकेली थी और मरते वक्त भी। उनकी मौत के वक्त उनका अपना कोई भी उनके साथ नहीं था। अगर उसकी इस जिंदगी में निखिल से उसकी मुलाकात नहीं हुई होती तो इस जिंदगी में भी सब कुछ वैसे ही हो रहा होता जैसे उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। कृतिका महसूस करने लगी कि बिना निखिल के वो किसी यूजलेस लड़की से ज्यादा कुछ नहीं। उससे हुई उसकी मुलाकात ने ही उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। इन ख्यालों से बाहर आते हुए कृतिका का मन भागकर निखिल के सीने से लग जाने को हुआ। भगवान जी ने जब उसे जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका दिया तो उसकी किस्मत में निखिल का उसकी जिंदगी में आना भी लिख दिया। उस दिन होटल की बालकनी के दोनों तरफ अलग अलग कमरे की एक एक खिड़की खुली हुई थी। क्या होता अगर वो निखिल के कमरे की जगह उस दूसरे कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में कूदती, वो फिर उसे खो देती। कृतिका के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। उसका मन निखिल को एक बार जाकर देखने का हुआ। माँ, मैं एक मिनट में आती हूँ, कृतिका ने कहा और सीधे हॉल एरिया की ओर चल पड़ी। वो कहते हैं ना कि माँ से कुछ ना भी कहो तो भी वो आपके दिल की बात को जान लेती है। ठीक वैसे ही अनुराधा को ये एहसास हो गया कि कृतिका का मन निखिल को देखने का कर रहा है। सच भी यही था। कृतिका सीधे निखिल के पास ही गई जो गोस्वामी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो दोनों अपना सिंगल पैग कप का ड्रिंक कर चुके थे। डैड, कृतिका थोड़ा झेपते हुए बोली। उसकी आवाज में कुछ बेचैनी सी थी, लेकिन इससे गोस्वामी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो तो अपने लिए डैड शब्द सुनकर ही बार बार झूमने लग जा रहा था। क्या मैं निखिल को एक मिनट के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? कृतिका ने गोस्वामी से निखिल को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगी। गोस्वामी हंस पड़ा। जरूर बेटा, एक मिनट क्यों, तुम जितनी देर के लिए चाहो उतनी देर के लिए निखिल को अपने साथ ले जा सकती हो। वैसे भी वो तुम्हारा पति है, उसकी माँ के बाद उस पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही तो है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। अनुराधा भी किचन से कृतिका के सवाल
और गोस्वामी के उस जवाब को सुन रही थी। गोस्वामी के जवाब को सुनकर वो वहां किचन में खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो कृतिका को छेड़ रहा था। छेड़ता भी क्यों नहीं, पिता बनने का एहसास होता ही कुछ ऐसा है। निखिल मुस्कुराते हुए कृतिका के साथ चल पड़ा। क्या हुआ? उसकी आवाज काफी जेंटल थी। उसकी लंबी कदकाठी कुछ ऐसी थी कि कृतिका के सामने खड़े रहने पर पीछे से देखने वालों को कृतिका दिखाई ही नहीं देती थी। कृतिका ने निखिल के करीब रहकर उसे बस थोड़ा सा स्मेल किया। उसकी खुशबू भी उसकी बेचैनी को शांत करने के लिए काफी थी। उसने निखिल की दोनों हथेली को थामा और फिर उसे बेडरूम में खींच लिया। बेडरूम के अंदर जैसे ही निखिल पहुंचा, कृतिका ने उसे जोर से हक कर लिया। अरे क्या हुआ, ये अचानक से इतना प्यार क्यों बरसा रही हो तुम मुझ पर? निखिल ने तेजी से उससे सवाल किया। फिर अपने सिर को झुकाकर कृतिका की आंखों में झांकते हुए उसने उससे सवाल किया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कृतिका ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। मैं ठीक हूं, बस मैं तुम्हें मिस कर रही थी। निखिल कंफ्यूज हो गया। मिस कर रही थी? पर मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो शुरू से यहीं हूं, फिर तुम मुझे मिस क्यों करने लग गई? अचानक ही निखिल खिलखिला उठा। तुम्हारा मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाना मुझे खुद पर बड़ा गर्व महसूस करवाता है, लेकिन तुम्हारा अचानक से ऐसे बिहेव करना मेरे अंदर घबराहट भी पैदा करता है। मुझे सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था जो तुम मुझे मिस करते हुए मुझे अपनी बाहों में भरने के लिए चली आई? घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बस इस बात से खुश हूं कि गोस्वामी अंकल ने मेरा मतलब डैड ने मुझे अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया। किचन में मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम मेरे लकी स्टार हो, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरी हर मुश्किल को मुझसे दूर कर गया। अगर उस दिन मैं तुमसे नहीं मिली होती तो सोनाली और अनिकेत मुझे फरहान को घायल करने के झूठे इल्जाम में जेल पहुंचा चुके होते। कृतिका ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरे पास तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो मुझे ओबेरॉय कॉरपोरेशन में कभी जॉब नहीं मिलती, या फिर अगर मुझे वहां जॉब मिल भी जाती तो शायद वहां के बाकी लोग अपनी साजिशों से मुझे मेरे जॉब से बाहर निकलवा देते। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर पेड़ से टूटे किसी पत्ते की तरह होती, जिसे बदकिस्मत भरी हवाओं के थपेड़े न जाने कहां कहां उड़ाते, और आखिर में मैं सूख कर टुकड़ों में बिखर कर खत्म हो जाती। कृतिका की पिछली जिंदगी ने उसे कैसे कैसे दिन दिखाए थे, उस बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। निखिल के बाहों में होते हुए वो ये सब सोचकर बुरी तरह कांपने लगी थी। उसका बुरी तरह कांपना निखिल भी महसूस कर रहा था। उसने अगले ही पल उसे और भी ज्यादा जोर से अपनी बाहों में कस लिया। न जाने क्यों, लेकिन उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि उससे मिलने से पहले कृतिका कई बार बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई थी। घबराओ नहीं, निखिल ने कृतिका की पीठ सहलाई, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास, मैं आगे भी हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। कृतिका ने हामी भरी और अपने सिर को निखिल के सीने पर थोड़ा सा हिलाया। उसकी आंखों से निकले आंसुओं ने निखिल के शर्ट को गीला कर दिया था। फाइनली वो शांत हो गई। निखिल की बाहों में आकर उसकी सारी बेचैनी, उसका सारा डर पल भर में दूर हो गया। अपने सिर को ऊपर उठाकर निखिल की आंखों में देखते हुए उसने उससे सवाल किया, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? निखिल ने उसके माथे को चूमते हुए प्यार से कहा, थोड़ा सा, मैं ये सोचकर ज्यादा डर महसूस करता हूँ कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता था। सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, कृतिका बोली। कृतिका को निखिल की टेलीपैथिक एबिलिटी के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता था। निखिल ने अपने सिर को हिलाया, हाँ वो सब बोलकर या सोचकर तुम खुद भी काफी डर जाया करती हो, अब सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम्हारे साथ क्या हो सकता था इस बारे में कुछ भी मत सोचा करो। मैं ध्यान रखूंगी, कहते हुए कृतिका ने निखिल की चिन पर किस किया।
अच्छा अब मैं चलती हूँ, माँ अकेले किचन का सारा काम कर रही है। एक मिनट, कहते हुए निखिल ने कृतिका की कमर को थाम लिया। निखिल के पास आकर कृतिका की बेचैनी तो अब दूर हो ही गई थी, लेकिन उसके उससे दूर जाने के कारण अब निखिल बेचैन होने लगा था। भले ही ये दूरी एक ही घर के एक कमरे से किचन तक की थी, लेकिन निखिल कृतिका को लेकर बेचैन था। कृतिका को निखिल कुछ पलों तक अपनी बाहों में थामे रहा। जब उसे फाइनली ये एहसास हो गया कि अब वो ठीक है, तो उसने उसे जाने दिया। कृतिका किचन में आ गई। उसे देखते हुए अनुराधा के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए भी उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। उसकी बेटी और उसके बेटी का पति दोनों ही लवी डवी बिहेव कर रहे थे, लेकिन इससे अनुराधा को जरा भी बुरा नहीं लगा। उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी अच्छा और मजबूत था, ये बात उसे दिल ही दिल हमेशा खुश करती थी। रात के डिनर के बाद निखिल और कृतिका अपने विला लौट आए। अपने लगेज को अनपैक करते हुए कृतिका को अचानक से कुछ याद आया और फिर उसने निखिल से सवाल किया, मैंने सुना है कि ओबेरॉय परिवार और उनके साथ जुड़ी बाकी सातों फैमिलीज का इतिहास इतना पुराना है कि उन पर एक पूरी हिस्ट्री बुक लिखी जा सकती है। ये सुनकर निखिल हंस पड़ा। ऐसी कोई बुक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली के साथ साथ बाकी के सातों बड़े परिवारों के पास अपनी अपनी एक फैमिली हिस्ट्री बुक मौजूद है। हर परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार के हिस्ट्री बुक में समय के साथ कुछ कुछ चीजें ऐड की हैं और हमारे पूर्वजों के इतिहास को संभाल कर रखा है। वो हिस्ट्री बुक एक जरिया है जिससे हमारी अगली पीढ़ी हमारे परिवार के इतिहास को समझ पाए और उसका सम्मान भी कर सके। अगर तुम ओबेरॉय परिवार के इतिहास के बारे में जानना चाहती हो, तो नेक्स्ट टाइम जब हम ओल्ड ओबेरॉय मेंशन जाएंगे, तो तुम दादाजी से हमारे पूर्वजों की हिस्ट्री बुक को मांग सकती हो। वो बुक उनकी स्टडी रूम में काफी संभाल कर रखी हुई है। क्या सच में? कृतिका ने सवाल किया। हाँ, निखिल ने हामी भरी। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारे परिवार के बारे में सब कुछ तो जानना ही होगा, क्योंकि अगर तुम हमारे परिवार के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानोगी, तो जब हमारे खुद के बच्चे होंगे तो उन्हें हमारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में कौन बताएगा? ये एक सिंपल सेंटेंस था जिसमें ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया था, लेकिन बच्चों की बात सुनते ही कृतिका के मन में एक इमेज उभर कर सामने आने लगी। वह अपने दो तीन बच्चों से घिरी हुई है और सभी को प्यार से कहानी की तरह ओबेरॉय परिवार की हिस्ट्री के बारे में बता रही है। उनके बाद एक ऐसा समय आएगा जब वो अपने बच्चों के बच्चों को अपने पास बिठाकर ओबेरॉय परिवार की हिस्ट्री के बारे में बता रही होगी। उन खूबसूरत इमेजेस के अपने मन में आते ही कृतिका अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से बंद कर जोरों से हंसने लगी। निखिल उसे हैरान होकर देखने लगा। न जाने उसके मन में क्या चल रहा है जो वो ऐसे हंस रही है। निखिल कृतिका के पीछे आकर खड़ा हो गया, जो कि अपने लगेज को खाली करने की जगह बस हंसते जा रही थी। उसे पीछे से हक करते हुए उसने उससे सवाल किया, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? कृतिका ने उसे अपने मन में उभरी इमेज के बारे में बता दिया। कितना सुंदर ख्याल आया ना मेरे मन में। निखिल ने उसके होठों को चूम लिया। सच में ये ख्याल काफी सुंदर है, लेकिन इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी। उसकी बात सुनने के बाद कृतिका ने अपने पेट को छुआ। वे दोनों फिजिकल तो हो रहे थे, लेकिन प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ। उन्होंने तय किया था कि उसकी स्टडीज के कंप्लीट होने से पहले वे बिना प्रोटेक्शन के एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। कृतिका एकदम से बेचैन हो उठी। मैं तो माँ बनने के लिए बेताब हूँ, कृतिका ने अपने सिर को नीचे झुकाते हुए निखिल से कहा। वो बेचारा सक पका गया। अभी अभी तो उनकी शादी हुई थी, अभी कुछ सालों तक तो वो उसके साथ अकेले ही रहना चाहता था। उसकी दादी भी जल्द से जल्द उसे पिता बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। पर उसे ये नहीं मालूम था कि कृतिका तो उसकी दादी से भी ज्यादा बेचैन थी। चलो अब आराम करो, भूल गई कल से तुम्हें कॉलेज भी जाना है, निखिल मुंह बनाते हुए बोला।
इस लड़की को उसके साथ अकेले रहना ही नहीं था कि ये मुझे अभी से भूलने लग गई है। कृतिका बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन निखिल की बात सुनकर उसका मूड खराब हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से 24 घंटे निखिल के साथ रह रही थी, अब अचानक से पूरे दिन भर उससे दूर रहना उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। वो आने वाले कुछ दिन को लेकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं थी। जल्दी ही उसका लगेज खाली हो गया, उसमें मौजूद चीजों को कृतिका ने अपनी अपनी जगह पर रख दिया। धुलने वाली चीजों को सुलोचना अपने साथ लेकर चली गई। कृतिका भी एक हॉट शावर लेने के बाद बेड में आ गई, क्योंकि कल कॉलेज में उसकी क्लास 10 बजे से शुरू होने वाली थी, इसलिए उसे सुबह थोड़ा जल्दी उठना था। वो अभी नींद में ही थी जब उसे कुछ कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। थकावट के कारण कृतिका ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली। खिड़की के कमरे के अंदर आ रही रोशनी कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं थी, इस वजह से कमरे में अभी भी हल्की धुंधलाहट मौजूद थी। कृतिका को निखिल अपने पास दिखाई नहीं दिया। अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसने बिस्तर के बगल में मौजूद लैंप का स्विच ऑन किया। फाइनली कमरे में अच्छी खासी रोशनी फैल गई। क्या तुम्हें मैंने जगा दिया? निखिल ने पलटकर कृतिका से सवाल किया। कृतिका ने ना में अपने सिर को हिलाया। तुम उठ गए थे तो तुमने लाइट्स ऑन क्यों नहीं की? मुझे लगा कि इससे तुम्हारी नींद खुल जाएगी, इसलिए मैंने लाइट्स ऑन नहीं की। निखिल उस वक्त अपना शर्ट पहन रहा था। कृतिका ने अपने हाथ को पिलो की तरह इस्तेमाल किया और फिर दाएं पलटकर निखिल को आराम से देखने लग गई। मैं रोशनी में भी आराम से सो सकती हूँ और तुम्हें ऐसे अंधेरे में कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या होता अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? निखिल ने अब तक कपड़े पहन लिए थे। जब वो कृतिका के करीब आया तो उसके बदन से वही खुशबू आ रही थी जो हमेशा उसके तैयार हो जाने के बाद उसके बदन से आया करती थी। कृतिका के करीब आकर निखिल ने उसके होठों को चूमा। ऐसा करने से उसके टूथपेस्ट की खुशबू उसके मुंह से कृतिका के अंदर चली गई। तुम आराम से सो, निखिल ने प्यार भरी आवाज में कहा। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। निखिल को हमेशा अपने सभी एम्प्लॉय से पहले ऑफिस जाने की आदत थी। वो हर दिन सबसे पहले ऑफिस पहुंचना चाहता था। ये बात उसके साथ रहते रहते कृतिका जान चुकी थी। एक नॉर्मल एम्प्लॉय कंपनी सुबह 9 बजे आया करता था, लेकिन निखिल सुबह 7 बजे ही कंपनी पहुंच जाता था। कृतिका ने अपने दोनों हाथों से निखिल को थाम कर बेड पर खींच लिया। निखिल ने अभी कुछ देर पहले ही शेव किया था और कृतिका उसके शेव चीक्स और चिन को बेदर्दी से चूमती जा रही थी। इस वक्त निखिल के पूरे चेहरे से एक अलग ही मिंट जैसी खुशबू आ रही थी। जल्दी घर आ जाना, निखिल को अपनी बाहों से आजाद करते हुए कृतिका ने कहा। वैसे कृतिका जब से उसके साथ रहने लगी थी, निखिल तब से ही ऑफिस अपने काम पर नहीं जाना चाहता था। कृतिका के उसके साथ रहने के लिए आने के बाद उसका मन वर्क फ्रॉम होम करने का होने लगा था। ऐसे में कृतिका को ये कहने की जरूरत ही नहीं कि घर जल्दी आ जाना। वो ऑफिस का काम खत्म होने के बाद सीधे घर ही आने वाला था, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अगर ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं सीधे घर आऊंगा, निखिल ने कृतिका को प्रॉमिस किया। ये सुनते ही कृतिका थोड़ा परेशान हो गई। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानबूझ पर खुद पर जोर देते हुए अपना हर काम तेजी से करने की कोशिश करोगे। मैं नहीं चाहती कि अपने काम को तेजी से करने के चक्कर में तुम खुद को थका लो और घर आते सो जाओ, निखिल हंस पड़ा। वो उसे थके हुए घर क्यों नहीं आने देना चाहती थी? लगता है मेरी कृति के मन में रोमांस वाली बातें चल रही है। चलो अब जाओ, वरना मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, कृतिका थोड़ा शर्माते हुए बोली। ठीक है, निखिल ने प्यार से कृतिका के माथे को किस किया। तुम आराम करो। कृतिका ने हाँ में अपने सिर को हिलाया और उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही। निखिल के कमरे से बाहर चले जाने के बाद ही वो वापस से अपनी आंखें बंद कर पाई। निखिल 6 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गया था। कृतिका फाइनली 8 बजे सोकर उठी। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसने नाश्ता किया। थम्बी उसे उसके कॉलेज ले जाने के लिए सुबह ही उसके घर आ गया था, क्योंकि वो बाकियों से कुछ दिन बाद अपनी क्लास शुरू कर रही थी, इसलिए क्लास के अंदर उसके एंटर करते ही सभी उसे देखने लगे। कृतिका एक बार हल्के से मुस्कुराई
और फिर अपनी तय सीट पर जाकर बैठ गई। रिमझिम ने पलटकर कृतिका के हाथ को छुआ और उसकी गर्दन को देखते हुए बोली, जल्दी से दिखाओ मुझे। क्या? कृतिका ने सवाल किया, तुम्हारा मंगलसूत्र पागल? रिमझिम ने कहा, निखिल अपनी शादी की बात ट्विटर पर अनाउंस कर चुका था। वो कृतिका से ही शादी करेगा, ये बात कृतिका के तीनों दोस्त जानती थीं। रिमझिम की आवाज हमेशा की तरह इतनी धीमी थी कि उन चारों लड़कियों के अलावा किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल क्लास के सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह से कृतिका पर फोकस्ड थे। उन्होंने अपनी चैटिंग बंद कर दी थी। कृतिका पर से उन सभी की नजर हट ही नहीं रही थी। रिमझिम की धीमी आवाज भी उन सभी को साफ साफ सुनाई पड़ गई। वे सब के सब भौचक के रह गए। कृतिका को देखते हुए उनकी आंखें शर्ट के बटन की तरह गोल हो गईं। कुछ वक्त पहले तक तो वो सिर्फ एंगेज थी, लेकिन अब वो शादीशुदा है। कृतिका उम्र में तो बस 23 साल की है, हालांकि वो क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट से उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसकी उम्र का फासला क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की उम्र से बस 1-2 साल का था। उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो नेशनल फिल्म एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट को एक बार में पास नहीं कर पाए थे। उन कुछ स्टूडेंट्स की उम्र कृतिका के जितनी ही थी। इसके अलावा लोग हमेशा कृतिका की एक्चुअल एज को नेग्लेक्ट कर देते थे। वे सब उसे एक यंग लड़की की तरह ही ट्रीट करते थे, क्योंकि नेशनल फिल्म एकेडमी में ये उसकी पढ़ाई का दूसरा ही साल था। एक बात और जो झुठलाई या भूली भी नहीं जा सकती थी, वो ये कि कृतिका का चेहरा अभी भी किसी यूथफुल चेहरे के जैसा ही दिखता था। उसे गौर से देखने पर भी लोगों को यही लगता था कि उसकी उम्र मात्र 17 या 18 साल की है। चलो मान लिया कि उसकी उम्र 17 या 18 साल की नहीं बल्कि 23 साल की थी, लेकिन इस उम्र में लड़कियां या लड़के जैसे तैसे बस अपना ग्रेजुएशन पूरा कर पाते थे। फिर आज के इस मॉडर्न टाइम में कौन सी लड़की इतनी कम उम्र में शादी करना पसंद करेगी? इसके अलावा एक बात ये भी भूलने लायक नहीं थी कि कृतिका आगे भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। उसकी एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी थी, उसे फिल्मों में अच्छे रोल्स मिल सकते थे, लेकिन शादी के बाद क्या उसे लीड एक्ट्रेस का कोई रोल ऑफर किया जाता? ऑडियंस के लिए किसी मैरिड लड़की को एक्ट्रेस के रूप में एक्सेप्ट करना वैसे भी काफी मुश्किल रहता है। जैसे ही किसी एक्ट्रेस ने शादी की, वैसे ही ऑडियंस का इंटरेस्ट उस एक्ट्रेस की फिल्मों से खत्म सा हो जाता है। इसी वजह से एम्बिशियस एक्ट्रेसेस हमेशा अपने करियर के शुरुआती या पीक टाइम में शादी नहीं किया करती हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्री में जितनी भी मैरिड फीमेल सेलिब्रिटीज थीं, वो सभी उम्र में 30 या 40 साल की थी या इनके बीच की। जब आप शादी कर लेते हो तो कई चीजें आपके लिए मुश्किल पैदा करने लग जाती हैं। वो मुश्किलें क्या होती हैं? ये दिल ही दिल में सभी जानते हैं। फिर मात्र 23 साल की इस यंग एज में कृतिका ने शादी करने का फैसला कैसे किया? वो छोड़ो, उसकी शादी हो जाने के बाद अब तक भी कोई ये नहीं जान पाया था कि उस लड़की ने किस परिवार में शादी की थी, उसके ससुराल वालों का स्टेटस क्या था। उस क्लास में जितनी भी लड़कियां मौजूद थीं, उन्हें कृतिका का अपने करियर के शुरुआत में ही शादी कर लेना जरा भी पसंद नहीं आया था। इतनी जल्दी शादी करना, वनिता ने कृतिका का मजाक उड़ाया। ऐसा करके कृतिका ने अपने करियर को शुरू होते ही खत्म कर लिया है। रिया भी मन ही मन काफी क्यूरियस थी। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद उसने अपने बॉयफ्रेंड को फुसलाने के लिए ऐसा किया होगा। अभी के टाइम से सभी एक्ट्रेसेस जो कि शादीशुदा नहीं हैं, वो किसी अमीर आदमी से ही शादी करना चाहती हैं। उसका ओरिजिनल प्लान यही होगा, जब उसे कोई अमीर आदमी मिल जाएगा तो फिलहाल उसने जिस बॉयफ्रेंड से शादी की है वो उसे डिवोर्स दे देगी। ये सुनने के बाद खुशबू ने अपना मुंह ऐंठ लिया।
फिर ये लड़की किसके लिए अपने सती सावित्री होने का ड्रामा कर रही है? खुशबू उन तीनों के ग्रुप में शामिल रिया की एक नई चापलूस लड़की थी। उसने कृतिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे लगता है कि शादी करने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में इसे इसकी एक्टिंग के दम पर रोल मिलता रहेगा, लेकिन बाद में अपने करंट हस्बैंड को डिवोर्स देकर ये किसी अमीर जादे से ही शादी करेगी। कितनी हिपोक्रिट है ये। मनीषा ने भी कृतिका की बुराई की। हाँ, मुझे भी यही लगता है, कृतिका का करंट हस्बैंड कुछ खास अमीर नहीं है। जब कृतिका के इनलॉज यहाँ स्कूल आए थे, तब उन्होंने खुद को किसी तुर्रम खां की तरह रिप्रेजेंट किया था, लेकिन उस वाक्य को याद करने के बाद ऐसा लगता है कि तब वो बस लंबी लंबी फेंक रहे थे और हम बेवकूफों की तरह उनकी बातों में आ गए। क्या उन्होंने कभी ये प्रूफ दिया कि वे लोग अमीर हैं? उनकी तरफ से कृतिका को रिसीव करने के लिए बस एक कार ही तो कॉलेज आती है। क्या बस एक कार से कोई अमीर है, ये बात साबित हो सकती है? फिर मनीषा ने आगे कहा, ऐसे वो कार थी तो महंगी, लेकिन वैसी महंगी कार तो अपनी रिया भी खरीद सकती है। वनीता ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, रिया का जब कभी भी मन करे वो वैसी महंगी कार आराम से खरीद सकती है। फिर वो आगे बोली, बस एक मुलजैन या बेंटले कार ये तो साबित नहीं करती कि आप अमीर हैं। हो सकता है कि कृतिका के इनलॉज थोड़े रिच हों, लेकिन इतने भी नहीं जितना उस दिन उनकी बातों से हमें लग रहा था। वनीता की बात में दम है। वनीता की एनालिसिस को सुनने के बाद खुशबू ने कहा, उसके गले में मौजूद वो पतली सी चेन तो देखो, शायद वो उसका मंगलसूत्र है। खुशबू ने कहा, क्या मंगलसूत्र ऐसा होता है, इतना पतला? देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे इसकी कीमत ले दे के बस 20-25 हजार है। अमीर परिवार की बात तो छोड़ो, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपने घर की होने वाली बहू को कम से कम 1,00,000 रुपए तक का मंगलसूत्र तो देती ही है। इससे तो साफ पता चलता है कि कृतिका के इनलॉज और उसका पति अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखते हैं। खुशबू की बात सुनने के बाद रिया, मनीषा और वनीता तीनों ही कृतिका की गर्दन को पीछे से निहारने लगी। वो चेन सच में काफी पतली थी। किसी लड़की का कैजुअली ऐसी पतली चेन पहनना जरा भी गलत नहीं है, लेकिन इसे मंगलसूत्र के रूप में पहनना, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। कृतिका के बॉयफ्रेंड के पास जो कार है वो बेंटले है ना, जब वो इतनी महंगी कार मेंटेन कर सकता है तो फिर मंगलसूत्र खरीदने में उसने इतनी कंजूसी क्यों दिखाई? वनीता ने कृतिका के गले में मौजूद मंगलसूत्र को बारीक नजर से देखते हुए कहा, जैसे टीवी एड्स में दिखाया जाता है कि मेंटोस खाने के बाद आम लोगों के दिमाग की बत्ती खुल जाती है, ठीक वैसे ही खुशबू के दिमाग में जो बल्ब मौजूद था वो भुकभुकाते हुए जल उठा। कहीं कृतिका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप तो नहीं हो गया? हाय रे मेंटोस, ऐसी बत्ती ना जलाया कर तू। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लास्ट सेमेस्टर तो वे दोनों एक साथ ही थे। अगर उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया होता तो उसके बाद कृतिका को कोई नया बॉयफ्रेंड भी मिल गया होता तो भी वो उससे इतनी जल्दी तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वनीता सरप्राइज होते हुए बोली। मनीषा ने बेरुखी से कृतिका को देखा। इस दौरान खुशबू ने अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में उन तीनों से कहा, कौन जाने इस लड़की के अचानक से शादी करने के पीछे की असली वजह क्या है। हो सकता है इसके पिछले बॉयफ्रेंड ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया होगा और फिर शादी से इनकार भी। ऐसे में खुद की इज्जत बचाने के लिए इसने किसी भी ऐरे गैरे से शादी कर ली होगी। किसी एक्ट्रेस से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। खैर, इस लड़की के अचानक से शादी कर लेने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मुझे बस इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इसकी शादी उसी रिच लड़के से हुई है जिसे वो कुछ वक्त पहले तक डेट कर रही थी। क्या कोई लड़का जो एक बेंटले और मुलजैन जैसी महंगी कार मैनेज करता है वो अपनी वाइफ को इतना सस्ता मंगलसूत्र देगा? बिल्कुल सही। क्या तुम लोगों ने निखिल ओबेरॉय की वो पोस्ट देखी थी जिसमें उसने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी? उस पोस्ट में उसने कुछ पिक्स भी ऐड किए थे जिसमें से एक पिक उसकी वाइफ के गले की थी।
उस पिक में उसकी वाइफ का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसे सुंदर सा मंगलसूत्र जरूर पहना रहा था। वनिता ने बाकी तीनों लड़कियों से सवाल किया। हाँ, मैंने देखा था, खुशबू ने हामी भरी, लेकिन उसने अब तक भी अपनी वाइफ के पिक या उसकी आइडेंटिटी किसी के सामने जाहिर नहीं की है। यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी उसकी वाइफ की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता। इस वजह से उन्होंने उसकी वाइफ को लेकर एक छोटा सा प्रोग्राम भी अपने अपने चैनल पर नहीं दिखाया, और इस वजह से हम अब तक ये नहीं जान पाए हैं कि उसकी वाइफ है कौन। मीडिया वालों ने अब तक निखिल की वाइफ की कोई पिक इसलिए अपने चैनल या मैगजीन में नहीं दिखलाई है क्योंकि वो निखिल की इजाजत के बिना ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं, रिया ने कहा। तुम लोगों को ये गेस करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि निखिल की वाइफ कौन है, वनीता बोली। उसकी वाइफ का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अपनी वाइफ के गले की जो पिक्चर निखिल ने ट्विटर पर पोस्ट की थी उसमें वो मंगलसूत्र भी साफ साफ नजर आ रहा था जिसे निखिल ने अपनी वाइफ को पहनाया था। क्या तुम लोगों ने उस मंगलसूत्र को नोटिस किया? जिस दौरान वनिता अपनी बात कह रही थी उस दौरान मनीषा ने तेजी से ट्विटर पर निखिल की वो पोस्ट ढूंढ ली जिसमें उसने अपनी शादी के अनाउंसमेंट कुछ पिक्चर्स को अपलोड करने के साथ की थी। क्या तुम इसकी बात कर रही हो? वनिता ने एक नजर उस पिक को देखा। हाँ हाँ, ये वही है, देखो इस मंगलसूत्र के बीच में कितना बड़ा और सुंदर सा ब्लू स्टोन मौजूद है। हाँ यार, ये तो सच में काफी सुंदर स्टोन है। खुशबू की आंखें उस मंगलसूत्र को देख बटन की तरह गोल गोल हो गई थी। पता नहीं ये लड़की एक्चुअल में कौन है, कितनी लकी है ना ये। आज के वक्त में ज्यादातर अमीर मर्द या तो अधेड़ होते हैं या अच्छे खासे बदसूरत। अगर वे इन दोनों में से कुछ ना होकर खुशकिस्मती से यंग हुए तो वे कैसनोवा टाइप्स के तो जरूर होंगे। खुशबू ने अपनी उंगलियों पर काउंट करते हुए कहा, अगर हम बात निखिल ओबेरॉय की करें तो अमीर होना तो निखिल को डिस्क्राइब करता ही नहीं है। पैसे तो उसके पास ऐसे हैं जैसे वो खुद भगवान कुबेर जी का दूसरा अवतार हो। हैंडसम होने की बात करें तो वो हैंडसम भी हद से ज्यादा है। उसका चेहरा, उसकी कद काठी, उसकी चाल ढाल, सब कुछ फिल्मों में पॉपुलर से पॉपुलर एक्टर्स तक को फेल कर देती है। वो आज तक कभी किसी स्कैंडल में भी नहीं फंसा है, मनीषा खुशबू की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। जब उसने खुद से ये बात अनाउंस की कि उसने किसी से सगाई कर ली है तब जाकर लोगों को पता चला कि वो सिंगल नहीं रह गया। उस अनाउंसमेंट से पहले तक तो किसी को उसकी लव लाइफ के बारे में कुछ पता तक नहीं था। हाँ बिल्कुल सही, वनिता ने मनीषा की हाँ में हाँ मिलाई और अपने गाल को अपने हाथ पर टिका लिया। फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले इवेंट्स और पार्टियों में भी वो हमेशा अकेला ही जाता रहा है। उसके साथ कभी कोई एक्ट्रेस या नॉर्मल लड़की नहीं रहा करती थी, जबकि अगर वो चाहता तो उसके एक इशारे भर से कोई भी एक्ट्रेस या बिग टाइम फीमेल सेलेब्रिटी उसके साथ उन इवेंट्स में जाने के लिए तैयार हो जाती। इन बातों के बीच रिया ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जेलसी तो उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। निखिल की वाइफ कौन है ये गेस करना अब बंद भी करो, कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन इतना तो तय है कि वो जरूर काफी स्पेशल होगी, तभी तो निखिल उसके बारे में किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलने दे रहा है। शायद वो शहर की 8 सबसे बड़ी फैमिलीज में से किसी एक फैमिली से बिलोंग करती होगी, रिया धीमी आवाज में बोली। जहां तक मैं समझती हूँ इन फैमिलीज के बीच शादी एक आम बात है। हाँ यार, ये पॉसिबल तो है, वनिता ने कहा। साथ ही साथ वो निखिल की अननोन वाइफ से काफी जेलस भी फील कर रही थी। कुछ लड़के और लड़कियां कितने किस्मत वाले होते हैं जिनका जन्म ऐसी बड़ी बड़ी फैमिलीज में होता है। इन फैमिलीज में शादी करने लायक लड़के हमेशा एक्सेप्शनल टाइप के होते हैं,
उन्हें अपने लिए लड़की या लड़कियों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनके लिए ऑटोमेटिकली एक अच्छा पेयर इन आठों फैमिलीज में से एक में से ढूंढ लिया जाता है। बस भी करो, रिया चिढ़ते हुए बोली। बात चाहे जो भी हो, वो लड़की हम में से तो कोई एक हो ही नहीं सकती ना। मैं बस एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ और तुम लोगों ने तो अभी तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा है। अगर हम सब एक कामयाब एक्ट्रेस बन भी जाती हैं, तो भी ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी। भले ही आम लोगों के लिए हम खास बन जाएं, लेकिन निखिल जैसे स्टेटस वाले लोगों के लिए हम किसी आम लड़की से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। वो तो हमारे साथ एक दिन भी बिताना पसंद नहीं करेगा। निखिल के अलावा कई लड़के ऐसे होंगे जो कि काफी अमीर होंगे, लेकिन अगर तुम सब उनमें से किसी से शादी करने का ख्याल अपने मन में पाल रही हो, तो जागते हुए ऐसे सपने देखना बंद कर दो। हम उन लोगों के लिए कभी खास नहीं बन पाएंगे। रिया की बात सुनकर वनीता ने अपना मुंह ऐंट लिया, लेकिन उसने रिया को उल्टा पुल्टा कुछ कहा नहीं। वो उदास थी और ये बात जानती थी कि रिया ने जो कुछ कहा था वो सब झूठ नहीं था। अमीर लोगों से शादी करने वाली फीमेल सेलिब्रिटीज को वो अपने हाथ की उंगलियों पर काउंट कर सकती थी, उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। अरे हम तो मेन टॉपिक से भटक ही गए, वनीता ने बात को बदलते हुए कहा। पहले निखिल की वाइफ के गले में मौजूद मंगलसूत्र को देखो और उसके बाद कृतिका के गले में मौजूद मंगलसूत्र को देखो। फिर वनीता ने सबका ध्यान उस पिक में मौजूद स्टोन पर लाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि कृतिका का मंगलसूत्र भी इस मंगलसूत्र की तरह ही हैवी होना चाहिए, लेकिन कम से कम उसके मंगलसूत्र के सेंटर में कोई स्टोन या कोई डिजाइन तो मौजूद होना ही चाहिए था ना। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर कृतिका का हस्बैंड सच में रिच होता तो वो उसके लिए कोई ऐसा मंगलसूत्र लेता जो कि दिखने में खूबसूरत और थोड़ा खास दिखाई देता, पर उसने तो उसके लिए मंगलसूत्र के नाम पर एक पतली सी चेन ले ली। मनीषा ने वनीता की हाँ में हाँ मिलाई। आपस में एक लंबी बात कर लेने के बाद फाइनली वे चारों इस बात पर सहमत हो गए कि कृतिका का हस्बैंड एक गरीब या मिडिल क्लास फैमिली का इंसान था। कृतिका को अब तक भी ये एहसास नहीं हो पाया था कि वे चारों लड़कियां सच को ना जानने के बावजूद भी उसके बारे में कैसी कैसी घटिया बातें कर रही थीं। पागल या सनकी कैसी लड़कियों को कहा जाता है, ये उन चारों को देखकर समझ सकते थे। फिलहाल कृतिका को उसकी तीनों सहेलियों ने घेर रखा था। मेहर और रिमझिम की हथेली कृतिका के दोनों हाथों पर थी, वहीं नीतिका कृतिका के बगल में बैठी हुई थी। मेहर ने अपने मन की बात धीमी आवाज में कही, एक बात बताओ कृति, ये मंगलसूत्र खरीदने में निखिल ने इतनी कंजूसी क्यों दिखाई? इतने वक्त में कृतिका ने उन तीनों को खुद से निखिल को उसके नाम से बुलाने की परमिशन दे दी थी। हालांकि ये सवाल रिमझिम और नीतिका के मन में नहीं उठा था, लेकिन वे दोनों भी ये जानने के लिए बेताब थे कि कृतिका का मंगलसूत्र एक मामूली सा नेकलेस क्यों लग रहा है। लेकिन ट्विटर पर निखिल ने जो तस्वीर शेयर की थी उसमें तो कृतिका के गले में जो मंगलसूत्र था वो बड़ा ही शानदार और खूबसूरत लग रहा था, रिमझिम ने कहा। कृतिका ने धीमी आवाज में उन तीनों को एक्सप्लेन किया, एक्चुअल में ये मंगलसूत्र दो खास नेकलेस को जोड़कर बनाया गया है। इसका एक हिस्सा काफी हैवी है जिसके सेंटर में एक ब्लू स्टोन मौजूद है, दूसरा हिस्सा एक पतली सी चेन जिसे उस मंगलसूत्र के बीच से अलग किया जा सकता है। यहाँ स्कूल में अगर मैं वो उस हैवी मंगलसूत्र को पहनती तो उसे सभी लोग नोटिस कर लेते, इसलिए निखिल ने इसे खास तौर से कस्टम मेड बनवाया ताकि इसके एक हिस्से को मैं बिना किसी के अटेंशन गेन किए आसानी से स्कूल में भी पहन सकूं। तभी नीतिका का ध्यान पीछे से कृतिका को घूर रही रिया और उसकी चट्टी बट्टियों के साथ साथ बाकी के क्लासमेट्स पर गया। देखो तो वो सब तुम्हें कैसे घूर रहे हैं, कृतिका सरप्राइज हो गई। एक्चुअल में क्लास में आने के बाद वो अपने तीनों दोस्तों से बात करने में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि क्लास में मौजूद हर एक स्टूडेंट
बस उसे ही देख रहा था। नीतिका की बात सुनने के बाद उसका ध्यान अपने सभी क्लासमेट्स पर गया। जैसे ही वो उन सबको देखने के लिए पीछे पलटी, उन सभी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वे सब ऐसे दिखावा करने लगे जैसे वो उसे देख ही नहीं रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में कृतिका को लेकर जो हंसी थी वो कृतिका ने महसूस कर ली। वो क्यूरियस थी कि वे सब उसे इस तरह से क्यों देख रहे थे। तब नीतिका ने उसे एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल से वे सब मंगलसूत्र के नाम पर तुम्हारे गले में मौजूद पतले से नेकलेस को देखकर तुम पर हंस रहे हैं। फिर वो रिमझिम की तरफ पलटी, और तुम, क्या तुम थोड़ा और धीरे नहीं बोल सकती हो? देखो, तुम्हारी वजह से क्लास का हर एक स्टूडेंट ये जान गया कि कृतिका की शादी हो गई है। रिमझिम ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए। सॉरी सॉरी, मैंने नहीं सोचा कि, इससे पहले कि रिमझिम ढंग से उससे या कृतिका से माफी मांगती, कृतिका ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। अरे आपस में मत झगड़ो, मैंने ये नेकलेस पहना इसलिए है कि लोग ये जान सके कि मैं शादीशुदा हूँ। इसमें छिपाने वाली कोई बात है ही नहीं। ये सुन नीतिका ने अपने होंठ को सिकुड़ लिया। तुम्हारी नेकलेस यहाँ मौजूद बेवकूफों को जरूर सस्ती लग रही होगी। वे आपस में यही बात कर रहे होंगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिससे तुमने शादी की है वो अमीर ना होकर एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। नीतिका ने काफी हद तक उन लोगों के बीच हो रहे डिस्कशन को ठीक ठीक गैस कर लिया था। उसकी बात सुन कृतिका खिलखिला उठी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके पति के बारे में क्या सोच रहा है। ओ बेटा जी, अचानक से मेहर जैसी चीख पड़ी। नीतिका ने तुरंत मेहर का मुंह दबा दिया। अरे धीरे यार, धीरे। मेहर एक पल के लिए चुप हो गई। जब उसने नोटिस किया कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसके चीखने की वजह से उसे देखने लग गए हैं, तो वो एकदम से धीमी आवाज में बोली, पता नहीं ये बात किसने फैलाई है, लेकिन इंटरनेट पर ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है कि जिस लड़की से निखिल ने शादी की है वो एक्चुअल में फेमस म्यूजिशियन गोस्वामी की बेटी है। हैं, ये तो बेसिर पैर वाली बात हो गई, रिमझिम ने कहा। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि गोस्वामी की अपनी कोई औलाद ही नहीं है, पर अचानक से कि उसकी बेटी कहाँ से पैदा हो गई। इंटरनेट पर आजकल ऐसी ही बेकार की बातें सर्कुलेट की जाती हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि गोस्वामी हमेशा से एक बच्ची का पिता था, लेकिन उसने ये बात कभी अनाउंस ही नहीं की। कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो बच्ची गोस्वामी की नाजायज औलाद है। कुछ उसे गोस्वामी की स्टेप डॉटर बता रहे हैं। और भी बहुत कुछ गोस्वामी की बेटी के बारे में इंटरनेट पर कहा जा रहा है, मेहर ने कहा। नीतिका चिढ़ उठी। कृतिका की शादी का गोस्वामी से क्या लेना देना? कृतिका और गोस्वामी का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। कृतिका के चेहरे पर आए सख्त एक्सप्रेशन को देख रिमझिम ने उससे सवाल किया, क्या सोचा है तुमने, इस मैटर को किस तरह से सुलझाया जाना चाहिए? इसे सुलझाने की कोई जरूरत नहीं, कृतिका उसी सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोली, ये सच है। क्या? वे तीनों एकदम से भौचक रह गई। तुम गोस्वामी पर कैसे? कृतिका और गोस्वामी किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर कैसे और कब से? वो मेरे स्टेप डैड हैं, कृतिका ने कहा। ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते कि कुछ वक्त पहले ही उन्होंने मेरी माँ से शादी की है। मैंने तो पिछले दिन से उन्हें डैड कहकर बुलाना शुरू किया है, लेकिन जिस इंसान ने ये बात एक्सपोज की उसे इस बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? सबसे ज्यादा जिस बात ने मुझे सरप्राइज किया है वो ये है कि वो शख्स मुझे अच्छे से जानता है। वो ये जानता है कि गोस्वामी की स्टेप डॉटर मैं हूं। कृतिका ने जो आखिरी बात कही थी उसने उसे काफी हद तक डरा दिया था। निखिल और उसकी शादी की बात अगर मीडिया में एक्सपोज होती तो इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा डरा दिया था वो ये कि आखिर उस इन्फॉर्मर को ये बात कैसे पता चली कि वो गोस्वामी की स्टेप डॉटर है। ये बात तो बस उसके और निखिल की फैमिली मेंबर्स को ही मालूम थी।
उसकी तीनों सहेलियां फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही थी। वे तीनों तो अभी भी ये जानकर सदमे में थी कि गोस्वामी कृतिका का स्टेप डैड है। उन्हें इस शौक से उभरने में वक्त लगने वाला था। हे भगवान, महर ने हैरान होते हुए आह भरी। कृतिका कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव थी। पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसा बॉयफ्रेंड आया जो आधे से ज्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज करता था। उसकी वजह से एंटरटेनमेंट सेक्टर में कृतिका का किसी से भी हारना नामुमकिन सा हो गया था। रही सही कसर गोस्वामी ने उसकी जिंदगी में आकर पूरी कर दी। वो गोस्वामी जो एक फेमस म्यूजिशियन था, वो गोस्वामी जिसे ग्लोबल लेवल पर लोग जानते थे, अब तो कृतिका की तीनों सहेलियों को ये भी लगने लगा कि कृतिका की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। ये सब बिल्कुल ऐसा था जैसे दुनिया की सारी अच्छी चीजें बस कृतिका के साथ ही होनी थी। कृतिका, तुम्हारी किस्मत सच में काफी अच्छी है यार, रिमझिम ने कहा। तुम इतनी लकी कैसे हो? जरूर तुमने अपनी पिछली जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, जिस वजह से तुम्हारी इस जिंदगी में किस्मत तुम पर हमेशा मेहरबान रहती है। ये सुनने के बाद कृतिका के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट उभर आई। या शायद अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इतने दर्द सहे होंगे कि बुरी चीजें मेरी इस जिंदगी में मेरे आसपास फटकना भी नहीं चाहती होंगी। मजाक मजाक में कृतिका ने उन तीनों को अपनी पिछली जिंदगी का एक गहरा राज बता दिया था, वो राज जो उन तीनों लड़कियों के लिए बस एक मजाक था। वो तीनों सच में ही उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। चलो अब देखते हैं कि कौन तुमसे उलझते हुए तुम्हारे बारे में ये कहने की हिम्मत करता है कि तुम्हारे पास पावरफुल लोगों के कनेक्शन नहीं है, महर ने कहा। इससे पहले जितने भी लोग कृतिका से उलझे थे, उन्हें यही लगता था कि वो एक आउटसाइडर है, उसके पास किसी का सपोर्ट नहीं, वो कभी इंडस्ट्री में खुद को सेटल नहीं कर पाएगी, और अगर किसी तरह उसने खुद को इंडस्ट्री में सेटल कर भी लिया तो इसमें काफी वक्त लगने वाला है। लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कृतिका का बॉयफ्रेंड और प्रेजेंट हस्बैंड ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का मालिक निखिल ओबेरॉय होगा, उसका स्टेप डैड ग्लोबल लेवल तक पहुंच रखने वाला फेमस म्यूजिशियन गोस्वामी तुलसीदास होगा, और दिवाकर जैसा फेमस डायरेक्टर उसे अपनी नीज मानता होगा। फिलहाल इंडस्ट्री में कौन सा शख्स ऐसा होगा जिसकी पहुंच ऐसे पावरफुल लोगों तक होगी? जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त कृतिका के पास था, उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शायद ही इस वक्त किसी दूसरे के पास होगा। लेकिन कृतिका इस सब के बारे में कुछ भी सोच नहीं रही थी। उसका ध्यान तो बस उस एक्सपोजर पर था जिसने उससे जुड़ी वो खबर लीक की थी। उसने अपनी सहेलियों से कहा, मैं एक कॉल करके आती हूँ, मुझे जानना है कि ये खबर किसने लीक की है। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से उठी और फिर क्लास से बाहर एक शांत जगह पर आ गई जहाँ दूसरा कोई शख्स मौजूद नहीं था। उसके बाद उसने निखिल को कॉल किया। तुम बिजी हो? निखिल के कॉल रिसीव करते ही कृतिका ने उससे सवाल किया। निखिल ने अपनी फाइल्स को देखा जो उसके सामने खुली हुई थी, फिर उसने उन फाइल्स के ढेर को देखा जो उसके डेस्क पर मौजूद थी। फिलहाल वो उन फाइलों को तेजी से निपटा रहा था, लेकिन पूरे एक सप्ताह के लिए हनीमून पर जाने से उसके ऑफिस का काम जरूरत से ज्यादा पेंडिंग हो गया था। उन सभी फाइलों को कंप्लीट करने में उसे शाम या फिर अगले दिन तक का समय तो लग ही जाना था। फिलहाल तो नहीं, वैसे तुमने क्लास टाइम में मुझे कॉल कैसे कर लिया? निखिल ने सवाल किया, और बिजी होते हुए भी कृतिका से ये झूठ कह दिया कि वो बिजी नहीं है। वैसे कृतिका इस मैटर को लेकर शुरू में बलविंदर को कॉल करना चाहती थी, लेकिन बाद में उसे लगा कि गोस्वामी से उसके रिश्ते की बात अभी बस घर वालों तक ही सीमित रहे तो ये उसके और उसके परिवार के लिए ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए उसने बलविंदर की जगह निखिल को ही कॉल किया। इंटरनेट पर एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है, उस न्यूज में कहा गया है कि तुमने जिससे शादी की है
वो म्यूजिशियन गोस्वामी की बेटी है। कृतिका ने निखिल को एक्सपोज हुए उस खबर के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले कि वो उस बारे में आगे और कुछ निखिल को बताती, निखिल समझ गया कि उसने सबसे पहले उसे कॉल क्यों किया। तुम चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ कि ये किसने किया है, निखिल ने कहा। अभी उसने फोन कट किया ही था कि उसे गोस्वामी का भी कॉल आ गया। क्या तुमने इंटरनेट पर वो न्यूज देखी जो मुझसे और कृतिका से जुड़ी हुई है? मेरी बच्ची ये न्यूज देखकर जरूर परेशान हो गई होगी, गोस्वामी सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। निखिल ने ये सोचा नहीं था कि गोस्वामी कृतिका को लेकर इतना फिक्रमंद हो सकता है। किसी लड़की की इतनी फिक्र बस उस लड़की के अपने पिता को ही हो सकती है। कृति ने अभी कुछ पल पहले ही मुझे कॉल कर इस बारे में बतलाया, निखिल ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत किसी को इस बारे में सारी जानकारी पता करने के लिए भेजता हूँ। ये कितना चिढ़ पैदा करने वाला है ना, कृतिका मेरी स्टेप डॉटर है, ये बात दुनिया को बताने का हक अगर किसी के पास है तो वो बस कृति और तुम्हारे पास है। कोई कैसे इतने पर्सनल बात को अपनी मर्जी से इंटरनेट पर लीक कर सकता है, गोस्वामी ने चिढ़ते हुए कहा। जिसने भी ये खबर लीक की है, कृतिका को लेकर उसका इंटेंशन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। गोस्वामी की ये बात सुनते ही निखिल का चेहरा डार्क हो गया। वो खुद भी मन ही मन वही बात सोच रहा था जो अभी अभी गोस्वामी ने उससे कही थी। जब तुम्हें पता चल जाए ये घटिया काम किसने किया है तो तुम जल्द से जल्द मुझे इस बारे में बता देना। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मेरी बेटी को हर्ट करने का ख्याल अपने दिल में रखे हुए है, गोस्वामी ने कहा। जी, मुझे जैसे ही इस बारे में पता चलेगा मैं तुरंत आपको कॉल कर लूंगा, निखिल ने कहा। फोन कट करने के तुरंत बाद उसने अनुपम को अपने ऑफिस में बुलाया। जितनी जल्दी हो सके ये पता करो कि किसने इंटरनेट पर ये बात फैलाई कि मेरी शादी गोस्वामी की बेटी से हुई है। यस सर, कहते हुए अनुपम तुरंत उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। जब वक्त दोपहर होने का आया तो वो वापस से निखिल के ऑफिस में दाखिल हुआ। सीईओ सर, मैंने पता लगा लिया है कि ये खबर किसने इंटरनेट पर लीक की है। कौन है वो शख्स, किसने ये करने की जरूरत की, निखिल गुर्राते हुए बोला। वो आपके अपने अंकल हैं, आपके अंकल आदित्य ने ये खबर इंटरनेट पर लीक की, अनुपम ने कहा। जब उसे ये बात पता चली तो वो खुद भी कंफ्यूज हो गया था। आखिर आदित्य के दिमाग में चल क्या रहा है, उसकी सोच किस तरह से काम कर रही है, खुद की फैमिली को हर्ट करके उसे कौन सा फायदा हो जाने वाला था। आदित्य का नाम सुनते ही निखिल गुस्से से बौखला उठा, लेकिन उसने अनुपम से कुछ कहा नहीं। फिर भी उसकी चुप्पी उसके गुस्से को छिपा नहीं पा रही थी। उसने कृतिका के बारे में क्या कहा? कुछ भी नहीं, अनुपम ने जवाब दिया। दरअसल उसे भी ये जानकर ऐसा लगा कि आदित्य का दिमाग अभी भी थोड़ा बहुत तो ठिकाने पर था। उन्होंने बस ऊपर ऊपर की बात ही लीक की है, यानी कि आपकी वाइफ फेमस म्यूजिशियन गोस्वामी की बेटी है, उन्होंने बस इतनी ही खबर इंटरनेट पर फैलाई। लेकिन उसकी बेटी है और उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, इस बारे में उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। यानी कृतिका मैम ही मिस्टर गोस्वामी की स्टेप डॉटर हैं, ये बात फिलहाल कोई नहीं जानता है। निखिल ने बस इतना कहा और चुप हो गया। वो काफी शांत नजर आ रहा था, लेकिन जो कोई भी इस वक्त उसे देख सकता था उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि उसकी शांति के पीछे गुस्से का कितना बड़ा तूफान उफान मार रहा है। जितना ज्यादा वो साइलेंट होता था जल्दी ही वो उतना ही ज्यादा वायलेंट भी हो जाता था। अनुपम समझ गया था कि उसे जो काम दिया गया था वो पूरा हो चुका है। गुस्से से उबल रहे शांत बैठे निखिल से उसने आगे कुछ भी कहने या पूछने की गलती नहीं की। वो चुपचाप उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर निखिल अपने चेयर पर अड़ गया। उसका सिर जोरों से दर्द कर रहा था। वो अपनी उंगलियों को अपनी भौहों के बीच जोर से दबा रहा था।
उसे लगा था कि इंटरनेट पर जो खबर लीक की गई थी उसके पीछे कृतिका के किसी दुश्मन का हाथ होगा जो उसे हर्ट करना चाहता होगा। लेकिन उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये काम उसके खुद के अंकल आदित्य ओबेरॉय ने किया होगा। कृतिका अब ओबेरॉय परिवार का हिस्सा थी, फिर वो उसे हर्ट करने की कोशिश कैसे कर सकता था। इस वक्त निखिल इस कदर गुस्से में था मानो वो कोई टाइम बॉम्ब बन गया हो और जल्दी ही वो अपने गुस्से के कारण एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसे तैसे खुद को शांत करने के बाद निखिल ने अपना फोन उठाया। वो कृतिका को कॉल करने में घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो इस वक्त अपनी किसी क्लास को अटेंड कर रही होगी, लेकिन वो सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि ना चाहते हुए भी तुरंत ही उसे कृतिका को कॉल करना पड़ा। इत्तेफाक से कृतिका अभी अभी पानी पीने के लिए अपने क्लास के बाहर निकली थी। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर निकली वैसे ही उसका फोन रिंग करने लगा। कुछ तेज कदमों के साथ वो एक कोने में पहुंची और झट से उसने निखिल के कॉल को रिसीव किया। मैंने पता लगा लिया है कि किसने ये खबर लीक की है। कृतिका के फोन रिसीव करते ही निखिल ने लाचारी भरी आवाज में कहा। निखिल का बोलने का अंदाजा कृतिका को काफी अजीब सा लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो हेल्पलेस है। अगले ही पल कृतिका ने अंदाजा लगा लिया कि वो खबर किसने लीक की थी। ऐसे इस बात का अंदेशा उसे थोड़ा थोड़ा पहले से भी था। क्या ये काम आदित्य अंकल का है? कृतिका ने उससे सवाल किया। निखिल एक पल के लिए हैरान हुआ और कुछ कह नहीं पाया। उसकी कृतिका इतनी स्मार्ट थी कि वो उसे भी सदमा दे देती थी। हाँ, ये उनका ही किया धरा है। उन्होंने बस ये बात लीक की है कि मेरी वाइफ गोस्वामी की बेटी है। उन्होंने तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। ये वो बात थी जिसने कृतिका और निखिल दोनों को ही राहत पहुंचाई थी। तुम्हारे कॉल के बाद ससुर जी, मेरा मतलब डैड ने भी मुझे कॉल किया था। उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कृतिका एकदम से भौचक हो गई। अचानक से निखिल ने किसे ससुर जी कहा था? जो शौक उसे लगा था उससे वो जल्द ही उबर आई। वो समझ गई थी कि निखिल ने ससुर शब्द उसके स्टेप डैड के लिए यूज किया था। उसके पिता वीरेंद्र को तो वो हमेशा वीरेंद्र कहकर ही पुकारता था। कृतिका मुस्कुरा उठी। फिर उसने उससे सवाल किया, क्या डैड जानते हैं कि तुम उन्हें डैड कहकर पुकारने लगे हो? निखिल सोच में पड़ गया। वो ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि जब कुछ घंटे पहले उसकी गोस्वामी से बात हुई थी तब क्या उसने उसे ससुर जी कहा या डैड कहकर पुकारा था। नहीं, तब उसने गोस्वामी को दोनों में से कुछ भी कहकर नहीं पुकारा था। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उसने कृतिका को जवाब दिया, फिलहाल तो नहीं। हाँ, लेकिन अगली बार जब मेरी उनसे बात होगी तो मैं उन्हें डैड कहने की कोशिश करूंगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं ऐसा कहूंगा ही। उसकी बात सुनकर कृतिका ये इमेजिन करने लग गई कि जब अपने स्टेप डैड के लिए निखिल के मुंह से डैड शब्द सुनकर वो शॉक्ड हो गई, तो जब उसके स्टेप डैड खुद निखिल के मुंह से अपने लिए डैड शब्द सुनेंगे तो वो कितने शॉक्ड होंगे। कृतिका ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। जब उसने देखा कि अगली क्लास का टाइम शुरू हो चुका है तो उसने निखिल से कहा, मुझे जाना होगा, मेरी नेक्स्ट क्लास कभी भी शुरू हो सकती है। उसने निखिल से ये सवाल नहीं किया कि वो इस मैटर को कैसे सॉल्व करेगा। उसे उस पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि वो उसे किसी भी कीमत पर हर्ट नहीं होने देगा। अपने इसी भरोसे की वजह से उसने निखिल से कोई सवाल नहीं किया। ठीक है, निखिल ने कहा। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे की बातों को पूरा करने के लिए ही बने थे। कृतिका ने उससे कोई सवाल नहीं किया और निखिल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था ये बात वे दोनों ही जानते थे। फोन कट करने के बाद कृतिका ने जल्दी से पानी पिया और भागते हुए वापस क्लासरूम में आ गई। इधर निखिल ने अपने वादे के मुताबिक कृतिका से बात करने के बाद गोस्वामी को कॉल किया। जब गोस्वामी को उसका कॉल जा रहा था तो वो कृतिका की कही बात को सोचने लग गया। हेलो निखिल। जल्दी ही गोस्वामी ने उसके कॉल को पिक कर लिया। इधर निखिल के मन में कृतिका की कही गई जो बातें चल रही थी उसके बीच में अचानक से गोस्वामी के हेलो को सुनकर वो एकदम से बोल पड़ा,
हेलो डैड। गोस्वामी को तो जैसे बिजली का झटका लगा, उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। वो तो शुक्र था कि उस फोन में एक मजबूत कवर लगा हुआ था, नहीं तो उसका फोन आज निश्चित ही टूट चुका होता। वो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि निखिल उसे अपना ससुर मानकर उसे डैड कहकर पुकारेगा। ये अचानक से निखिल को क्या हो गया था? What's wrong with him? वो निखिल के मुंह से अपने लिए अंकल शब्द सुनने का आदि था, इसलिए अचानक से खुद को पुकारे जाने वाले शब्द में हुए बदलाव ने उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया कि कृतिका अब उसे डैड कहकर पुकारती है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सच में निखिल का ससुर बन चुका है। ऐसे में उसका उसे कृतिका की तरह डैड कहकर पुकारना जरा भी गलत नहीं था। वैसे भी वो वीरेंद्र जैसे घटिया इंसान को तो कभी भी डैड कहने वाला नहीं था। इन ख्यालों ने उसके मन में उठे कंफ्यूजन को दूर कर दिया और वो पहले की तरह नॉर्मल हो गया। तुमने पता लगाया कि वो खबर किसने लीक की है? आज से पहले जिस किसी ने भी कृतिका के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की थी, उन सब से निखिल का कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए वो बड़ी ही बेदर्दी से उन लोगों को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन आज पहली बार उसके किसी अपने रिलेटिव ने कृतिका को हर्ट करने की कोशिश की थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि रिश्ते में अपने पिता समान अंकल को वो कैसे हैंडल करेगा। उसने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, ये काम मेरे अंकल आदित्य का है। क्योंकि आदित्य ने कृतिका को हर्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए उसका नाम पुकारते वक्त उसके मन में उसके लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। आदित्य का नाम सुनते ही गोस्वामी गुस्से से बौखला उठा। अच्छी बात ये थी कि अनुराधा इस वक्त स्कूल गई हुई थी, जहां वो बच्चों को गिटार प्ले करना सिखाती थी। आज उसने गोस्वामी को उसे स्कूल ड्रॉप करने की इजाजत नहीं दी। उसका कहना था कि जब हर बार वही उसे स्कूल ड्रॉप करेगा, तो अपनी कार के लिए जो ड्राइवर उसने हायर किया है, वो क्या बैठे बैठे हर महीने सैलरी उठाएगा? इसलिए आज गोस्वामी दोपहर में घर पर अकेला था और अनुराधा अपने स्कूल में। वो गुस्से से बौखलाते हुए बोला, आखिर इस जाहिल आदित्य की प्रॉब्लम क्या है? गोस्वामी की सांसें अचानक से भारी हो गई। फोन पर वो लगभग चीखते हुए बोला, निखिल अगर मैं आदित्य को लेकर गुस्से में कुछ ऊंचा नीचा बोलूं तो तुम बुरा मत मानना। मेरे लिए शशिकांत और आदित्य दो अलग अलग लोग हैं। मैं कभी भी आदित्य को ओबेरॉय परिवार से जोड़कर नहीं देखता हूँ। भले ही वो ओबेरॉय परिवार का सदस्य है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी गलतियों को चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगा। ये सुनने के बाद निखिल को थोड़ा सा सुकून मिला। गोस्वामी का आदित्य को ओबेरॉय परिवार से परे होकर देखने का यही मतलब था कि वो उसे आज की हरकत के लिए माफ नहीं करेगा, यानी कि आदित्य के खिलाफ उसे कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आदित्य इस वक्त अपने ऑफिस में होगा? अचानक से गोस्वामी ने सवाल किया। हाँ, पर क्यों? कहीं आप डायरेक्टली उनके पास इस मैटर को लेकर उनसे जवाब तलब करने के लिए तो नहीं जाने वाले हैं ना? निखिल को तुरंत गोस्वामी के उस सवाल के पीछे के मकसद के बारे में पता चल गया। वो मेरी बेटी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं कैसे उसे चुपचाप ये सब करने दे सकता हूँ? गोस्वामी ने कहा, कृतिका एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, इस बात को लेकर वो पहले भी कृतिका को टारगेट करता आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो मेरी बेटी है और मेरे परिवार का हिस्सा है, ऐसे में आदित्य उसे टारगेट करने की गलती कैसे कर सकता है? अगर मैंने उसे अभी फटकार नहीं लगाई तो वो आगे भी मेरी बेटी को टारगेट करने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, तो हम दोनों डायरेक्ट उनके ऑफिस पहुंचते हैं, कहते हुए निखिल ने फोन कट कर दिया। जल्दी ही उसने अपनी कार की चाबी उठाई और अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। क्या आप कहीं जा रहे हैं सर? अनुपम ने निखिल को अपने ऑफिस से बाहर आते देख सरप्राइज होते हुए सवाल किया।
दोपहर के बाद की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, निखिल ने कहा और वहां से चला गया। वो गोस्वामी से पहले ही आदित्य की कंपनी के पास आ पहुंचा था। उसने एक राहत भरी लंबी सांस ली। अच्छा हुआ कि वो पहले यहां आ पहुंचा, नहीं तो गोस्वामी उससे जरूर नाराज हो जाता। भले ही कृतिका ने गोस्वामी को कल से डैड कहकर बुलाना शुरू किया था, लेकिन एक पिता का फर्ज क्या होता है और उसे कैसे निभाना होता है, ये गोस्वामी ने कृतिका से मिलने के साथ ही निभाना शुरू कर दिया था। निखिल आदित्य की कंपनी के एंट्रेंस के पास ही गोस्वामी के आने का इंतजार करने लगा। वो उन्हें अपने साथ लिए बगैर आदित्य की कंपनी के अंदर नहीं जाने वाला था। जल्दी ही गोस्वामी वहां आ पहुंचा। वो अपने चेहरे पर बड़े ही खतरनाक एक्सप्रेशंस लिए अपनी कार से उतरा। निखिल तेजी से उसके पास आया। डैड, ये सुनते ही गोस्वामी के चेहरे पर जो खतरनाक एक्सप्रेशंस थे वो जैसे कंफ्यूजन में बदल गए। कृतिका का उसे डैड बुलाना वो कब का एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन जब भी निखिल उसे डैड कहकर पुकार रहा था उसे बड़ी ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे निखिल सठिया गया है, शायद इसलिए क्योंकि निखिल सालों से उसे अंकल कहकर पुकारता आया था, इसलिए अब अचानक से उसका उसे डैड कहकर पुकारना उसे जरा भी रास नहीं आ रहा था। या शायद वो किसी मेल पर्सन के मुंह से अपने लिए डैड शब्द सुनने को तैयार नहीं था। बात चाहे जो भी हो, एक बात तो तय थी कि वो कृतिका को दिल से अपनी बेटी मानने लगा था। चलो अंदर चलते हैं, गोस्वामी की आवाज में गुस्सा भरा था। वो निखिल से भी थोड़ा गुस्सा जरूर था, भले ही थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि आदित्य को वो ओबेरॉय फैमिली से जोड़कर नहीं देखता है, लेकिन सच तो यही था कि आदित्य ओबेरॉय फैमिली का ही एक हिस्सा था। निखिल ने कृतिका से शादी की, ये बात उसे जरा भी पसंद नहीं आई, और चूंकि वो उसे ओबेरॉय परिवार का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो हर्ट भी उसे ही करने वाला था, ना कि निखिल को। जल्दी ही वे दोनों आदित्य के ऑफिस के बाहर आ पहुंचे। हालांकि आदित्य के सेक्रेटरी सुभाष ने गोस्वामी को तो नहीं पहचाना, लेकिन निखिल को पहचानने में उसे एक पल भी देर नहीं लगी। निखिल सर, सुभाष निखिल को देखते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। हम यहाँ तुम्हारे सीईओ से मिलने के लिए आए हैं, निखिल ने कहा। जी जी, सुभाष तेजी से बोला, सीईओ सर ऑफिस में ही है और फिलहाल उनकी कोई मीटिंग भी नहीं होने वाली है, आप लोग बस एक मिनट रुकिए। सुभाष का बर्ताव निखिल के साथ साथ गोस्वामी को लेकर भी अच्छा था। वो अब तक भी उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसका निखिल के साथ वहां आना उसे ये समझाने के लिए काफी था कि वो भी कोई खास इंसान है। उसने आदित्य के ऑफिस के दरवाजे पर 3 बार आराम से नॉक किया, लेकिन वो सीधे उसके ऑफिस के अंदर नहीं गया। उसने बाहर से ही दरवाजे को हल्का सा खोलकर आदित्य को इन्फॉर्म किया, सीईओ सर, निखिल सर आपसे मिलने के लिए यहां आए हैं। आदित्य ने अपने सिर को ऊपर उठाया और सामने दरवाजे के दूसरी तरफ निखिल और गोस्वामी उसे खड़े नजर आए। इससे पहले कि आदित्य उन्हें अंदर आने की परमिशन देता, दोनों डायरेक्टली उसके ऑफिस में दाखिल हो गए। आदित्य के मन में एक साथ 2-3 ख्याल उभर आए, फिर उसने हंसते हुए कहा, अरे गोस्वामी, निखिल, तुम दोनों एक साथ, क्या बात है, तुम दोनों का एक साथ यहाँ कैसे आना हुआ। इस दौरान सुभाष ने चालाकी से काम किया और उन दोनों के ऑफिस में दाखिल होने की जगह वो ऑफिस से बाहर निकल गया, और बाहर निकलते हुए उसने ऑफिस के दरवाजे को बंद भी कर दिया। गोस्वामी सीधे आदित्य पर बिफर पड़ा। आदित्य, मुझे लगा था कि मेयर विदित की पार्टी में ही तुम समझ गए थे कि कृतिका मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कृतिका और उसकी माँ अनुराधा शांति से अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। उन्हें किसी तरह के फालतू अटेंशन की जरा भी भूख नहीं। वो मैं था जो इस बात से डरा हुआ था कि अगर लोगों को ये लगा कि कृतिका का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो उसे हर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उस दिन मेयर की पार्टी में मैं अनुराधा को अपने साथ लेकर आया,
ताकि लोग जान सकें कि मेरी बेटी का फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है। मैं कृतिका को भी वहां अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन उस बच्ची ने ये कहते हुए वहां आने से मना कर दिया कि उसकी वजह से शायद लोग मेरे और अनुराधा के बारे में गलत बातें करेंगे। वो वहां पार्टी में मेरे साथ नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि लोग उसे बुली करें। गोस्वामी ने एक सांस में ही वो सारी बातें कह दी। आदित्य एकदम से सरप्राइज हो गया। क्या किसी ने कृतिका को बुली किया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो ओबेरॉय परिवार की बहू है, उसे कोई भी बुली नहीं कर सकता है। आदित्य के रंग कृतिका को लेकर काफी बदले हुए थे। गोस्वामी ने तुरंत ही इंटरनेट पर कृतिका को लेकर लीक हुई खबर के बारे में आदित्य को बताया। मुझसे ये कहने की गलती मत करना कि इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मैं सीधा तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तुमने किया है। पहले तुम कृतिका से नफरत करते थे ये सोचकर कि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन अब जब तुम्हें ये पता चल गया है कि उसकी फैमिली कमजोर ना होकर काफी स्ट्रॉन्ग है और ओबेरॉय परिवार से रिश्ता जोड़ने के लायक है, तो तुम उसे अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि मेरी बेटी ओबेरॉय परिवार की बहू है। तुम उन्हें बताना चाहते हो कि ओबेरॉय परिवार से मेरा रिश्ता काफी गहरा है। इस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हर शख्स यही समझेगा कि ओबेरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से प्रोड्यूस हुई फिल्मों में मेरी तरफ से कुछ गाने जरूर कंपोज किए जाएंगे। इसके अलावा भी कई दूसरी पार्टनरशिप्स होंगी जो कि गोस्वामी की वजह से ओबेरॉय कॉरपोरेशन के लिए फायदेमंद होने वाली थी। इसके अलावा हॉलीवुड में बिताए गए उसके लंबे वक्त ने उसके वहां भी कई बेहतरीन कनेक्शन बना दिए थे। उसके नाम को इस्तेमाल कर ओबेरॉय कॉरपोरेशन किसी भी हॉलीवुड कंपनी से जुड़ सकता था और इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ ओबेरॉय कॉरपोरेशन को ही होता। निखिल की शादी म्यूजिशियन गोस्वामी की बेटी से हुई है, ये बात एक्सपोज करने के पीछे आदित्य का मकसद बस इतना सा था कि इससे ओबेरॉय कॉरपोरेशन के साथ साथ उसकी अपनी कंपनी को भी फायदा हो। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। निखिल से मेरे रिश्ते पहले से काफी अच्छे हैं और अब वो मेरा सन इन लॉ है। मैं जितना हो सके उतना उसकी हेल्प करूंगा ही। उसे बस कृतिका के साथ अच्छे से पेश आना है, उसके बाद उसे मेरी हर तरह की हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। गोस्वामी ने आदित्य को मजाक उड़ाने वाले लहजे में देखा, लेकिन इस बात को अनाउंस करने में जो जल्दबाजी तुमने दिखाई है वो काफी वाहियात है। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा नीला पड़ गया। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये बात मैंने एक्सपोज की है? और अगर ये बात एक्सपोज हो भी जाती है तो इसमें शर्मिंदा महसूस करने या बुरा मानने वाली कौन सी बात हो गई? गोस्वामी का गुस्सा इस बार और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस बात को अनाउंस करना है या नहीं, ये फैसला कृतिका और निखिल का था। वो ये अनाउंसमेंट कैसे करना चाहते हैं या वो ये करना चाहते भी हैं या नहीं, ये उनका फैसला होना चाहिए था, ना कि तुम्हारा। उन दोनों के सबसे करीब लोग जैसे मैं, अनुराधा या निखिल के पेरेंट्स, जब हम में से किसी ने भी इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, तो तुम कौन होते हो इसे मीडिया में लीक करने वाले? इस बार आदित्य को भी गोस्वामी पर गुस्सा आ गया। वो उसे नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन उसे उसकी रिस्पेक्ट की कोई परवाह ही नहीं थी। आदित्य, गोस्वामी की आवाज में अभी भी जोरदार गुस्सा था, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कृतिका के खिलाफ साजिशें करोगे तो मैं तुम्हारी प्रोड्यूस की गई फिल्मों में म्यूजिक देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, या तुम्हारे दूसरे कामों को करने के लिए, या उनमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? आदित्य सकपका गया। गोस्वामी ने कैसे पता लगा लिया कि उसका असली मकसद क्या था? दरअसल विनोद के जेल जाने के बाद विनोद के थ्रू उसके जो कनेक्शंस थे वो सभी खत्म हो गए थे, लेकिन गोस्वामी के ओबेरॉय परिवार से जुड़ने से उसकी ये चिंता काफी हद तक खत्म हो गई थी। भले ही गोस्वामी एक म्यूजिशियन था, लेकिन उसके कनेक्शंस इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी थे।
पॉलिटिक्स से जुड़े सभी तरह के सोशलिस्ट और फिनेंस इंडस्ट्री के लगभग सभी खास लोगों के उससे कुछ न कुछ खास कनेक्शंस थे। इस वजह से आदित्य के मन में ये बात आई कि विनोद के जाने से उसके जो कनेक्शन खत्म हुए हैं, वो उसे गोस्वामी की मदद से वापस मिल जाएंगे। ध्यान रहे, अगर ये मैटर और लीक हुआ या फिर अगर मेरी बेटी का नाम मीडिया वालों को उसकी मर्जी के बगैर पता चला, तो तुम्हें अपने किसी काम में या फिल्मों में मेरी मदद मिलेगी, ये बस तुम्हारा एक सपना रहेगा। गोस्वामी ने बेरुखी से अपनी बात पूरी की, लेकिन उसकी इस धमकी से आदित्य को जरा भी बुरा नहीं लगा। वो इस सब के बारे में पहले ही काफी अच्छे से डिटेल में सोच चुका था। गोस्वामी और उसका छोटा भाई शशिकांत बहुत अच्छे दोस्त थे और अब उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। ऐसे में सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, गोस्वामी हमेशा ओबेरॉय परिवार की मदद करने के लिए तैयार रहने वाला था। इसलिए वो लोगों को बस इतना बताना चाहता था कि गोस्वामी की बेटी की शादी निखिल से हुई है। इस न्यूज के सर्कुलेट होने से कई लोग फ्यूचर में उसके साथ काम करने के लिए उससे कांटेक्ट करने वाले थे। इसी वजह से उसने ये बात तो दुनिया को बतलाई कि निखिल ने गोस्वामी की बेटी से शादी की है, लेकिन गोस्वामी की बेटी का नाम या उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये बात उसने मीडिया में लीक नहीं की। एक तरह से वो कृतिका से अभी भी नफरत करता था और उसके नाम को एक्सपोज कर उसकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा नहीं करना चाहता था। इसके अलावा अगर लोग ये जान जाते कि कृतिका गोस्वामी की बेटी है, तो इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसकी इमेज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के जैसी हो जाती। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका करियर बहुत स्मूथली आगे बढ़ता और आदित्य नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ उसकी वजह से हो। निखिल इस पूरे समय में आदित्य के एक्सप्रेशन पर गौर कर रहा था। वो अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ा। अंकल, कहीं आपके मन में ये बात तो नहीं चल रही कि ससुर जी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं भी होते हैं, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका रिश्ता ओबेरॉय परिवार से जुड़ चुका है। ये सोचकर लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली काम करने के लिए आगे आ जाएंगे। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। ये लड़का हर बार उसके खिलाफ क्यों बात करता था? वो किसी बाहरी इंसान को उसके मन में चल रही बात क्यों बता रहा था? उसके लिए उसका अपना रिश्तेदार कौन था? इधर निखिल गोस्वामी की तरफ पलटा। डैड, क्या आप ये बात अपने कुछ दोस्तों को बतला सकते हैं कि अंकल के कृतिका से मेरी शादी की बात को एक्सपोज करने के पीछे उनका असली मकसद क्या था? हाँ जरूर, गोस्वामी ने तुरंत रिप्लाई किया। मुझे अपने हर दोस्त को एक एक कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे बस उनके ग्रुप चैट में एक लॉन्ग मैसेज भेजना होगा। उनसे ये बात कई लोगों तक पहुंच जाएगी और उन कई हजार लोगों तक जल्दी ही ये बात ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाएगी। गोस्वामी की बात सुनते ही आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? आदित्य निखिल और कृतिका की शादी की बात लीक कर अपने लिए कुछ फायदा कमाना चाहता था, लेकिन बीत चुके पिछले पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। गोस्वामी ने बेरुखी से आदित्य को चेतावनी दी, कृतिका के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दो आदित्य। अब वो कोई ऐसी बच्ची नहीं रह गई जिसका पिता कभी उसकी सपोर्ट में आगे नहीं आएगा। मैं हमेशा उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खड़ा रहूंगा। पता नहीं आदित्य को अपने किए का पछतावा हो रहा था या नहीं। वो हमेशा कृतिका को कमजोर समझता आया था। उसे यही लगता था कि वो एक कमजोर लड़की है और उसकी माँ के अलावा कोई भी कभी भी उसके सपोर्ट में आगे नहीं आएगा। उसकी नजर में वो निखिल की पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। लेकिन अब कृतिका के पास किसी ऐसे शख्स का सपोर्ट था जिससे उलझना आदित्य के लिए जरा भी फायदेमंद नहीं था। अगर यहाँ किसी को कृतिका या उसके पिता से फायदा होने वाला था, तो वो बस निखिल था। गोस्वामी अब आदित्य की शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर वो थोड़ी देर और उसे देख लेता, तो वो उसका मुंह ही तोड़ डालता।
मेरी बात अच्छे से समझ लो आदित्य, फ्यूचर में तुम गलती से भी कृतिका के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद गोस्वामी निखिल के साथ वहां से चला गया। जाते हुए गोस्वामी और निखिल के पीछे से आदित्य निखिल पर चिल्लाया, निखिल, घर वालों को छोड़ बाहर वालों की हेल्प कर तुमने खुद को मेरी नजर में नफरत के काबिल बना लिया है। लेकिन इस बार निखिल ने पलटकर उसे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। उसकी कंपनी से बाहर आने के बाद वो और गोस्वामी अपनी अपनी कार से अपने अपने रास्ते निकल पड़े। गोस्वामी ने सोचा कि चूंकि वो घर से बाहर आ ही चुका है तो क्यों ना वो अनुराधा को उसके स्कूल से पिक भी कर ले। उसने घड़ी पर एक नजर दौड़ाई, अनुराधा की क्लास अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर वो कार थोड़ी तेज चलाए तो जरूर टाइम से अनुराधा के पास उसकी क्लासेस खत्म होने से पहले पहुंच जाएगा। कार थोड़ी फास्ट ड्राइव करने के बाद भी गोस्वामी ने अनुराधा को मैसेज कर दिया कि वो उसे पिक करने के लिए आ रहा है। उसे डर था कि अगर कहीं ट्रैफिक में फंसने की वजह से उसे स्कूल पहुंचने में देर हुई तो अनुराधा अकेले ही घर लौट जाएगी। इधर निखिल ने भी कृतिका को मैसेज किया। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट पर लीक हुई न्यूज वाली इशू सॉल्व हो गई है। गोस्वामी ने उसके अंकल को कैसे धमकाया ये बात भी उसने कृतिका को बतला दी। इस पूरी बहस में निखिल ने खुद से ना तो आदित्य को ज्यादा कुछ कहा और ना ही उसने गोस्वामी और आदित्य के बीच हो रही बहस में खुद को इन्वॉल्व किया। इसका कारण था आदित्य का उसका अंकल होना। वो चाहकर भी उससे बदसलूकी नहीं कर सकता था, लेकिन गोस्वामी के साथ ऐसी कोई बंदिश नहीं थी, इसलिए उसने गोस्वामी को पूरा मौका दिया कि वो आदित्य को लेकर अपने मन की भड़ास अच्छे से निकाल ले। भले ही कृतिका अब गोस्वामी को अपने पिता का दर्जा दे रही थी, लेकिन वो था तो बस उसका स्टेप डैड। इस वजह से वे दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर थे। वे चाहकर भी इतने कम वक्त में किसी बायोलॉजिकल बाप बेटी की तरह एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे। जैसे ही गोस्वामी के सामने एक मौका आया, वैसे ही वो कृतिका के सपोर्ट में आगे आ गया, ताकि कृतिका ये महसूस कर सके कि वो उसे बस नाम के लिए अपनी बेटी नहीं कहता है, वो दिल से उसे अपनी बेटी मानता भी है। जब भी वो किसी मुश्किल में होगी वो हमेशा आगे आकर उसे सपोर्ट करेगा। उसके इस इंटेंशन को समझने के बाद ही निखिल ने आदित्य की साजिश पर पानी फेरने में उसकी मदद की थी। वो कृतिका के प्यार के लिए गोस्वामी को आदित्य की कठपुतली बनते नहीं देख सकता था। जब कृतिका को निखिल का मैसेज आया तब वो एक क्लास अटेंड कर रही थी। उसके मैसेज को पढ़ने के बाद वो ये मनाने लगी कि उसकी ये क्लास जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जैसे तैसे उसने अपनी वो क्लास पूरी की। क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद उसने गोस्वामी को कॉल किया। गोस्वामी उस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, इसलिए उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। कैसी हो कृति बेटा? डैड, निखिल ने मुझे सब कुछ बता दिया, थैंक यू सो मच। कृतिका का दिल इस वक्त खुशी से झूम रहा था। आज पहली बार उसे ये एहसास हुआ था कि एक पिता जब अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करता है तो वो फीलिंग कैसी होती है। हालांकि ये इश्यू कुछ खास सीरियस नहीं था, इससे उसे किसी प्रॉब्लम का भी सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी गोस्वामी ने उसके लिए स्टैंड लिया। इस बात ने उसके दिल को छू लिया था। वो काफी इमोशनल भी हो गई थी। तुम मुझे डैड कहकर बुला रही हो और मुझे डैड मानने भी लगी हो, फिर इस थैंक्स की क्या जरूरत? तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है, गोस्वामी ने कहा। थैंक्स कहकर आगे से मुझे किसी आउटसाइडर की तरह ट्रीट मत करना बच्ची, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी डैड, कृतिका ने हामी भरी। आज आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं शाम में निखिल के साथ आपसे मिलने के लिए आऊंगी और खुद अपने हाथों से आपके लिए आपकी पसंद की चीज पकाऊंगी। गोस्वामी खुशी से हंस पड़ा। मेरी अपनी कोई खास पसंद नहीं, जो भी तुम्हें पसंद हो तुम मेरे लिए वही बना देना। ठीक है डैड, मैं माँ की पसंद की और मेरी पसंद की कुछ डिशेस आपके लिए आज खास तौर से पकाऊंगी, कृतिका हंसते हुए बोली। जरूर जरूर, गोस्वामी ने रिप्लाई किया। क्या आप ड्राइविंग कर रहे हैं?
अपने फोन पर दूसरी तरफ से हॉर्न की आवाज सुनने के बाद कृतिका ने सवाल किया, हाँ मैं तुम्हारी माँ को पिक करने के लिए जा रहा हूँ। गोस्वामी ने जवाब दिया, ठीक है फिर मैं फोन रखती हूँ, आप ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा, कृतिका ने तेजी से कहा। फोन कट करने के बाद भी गोस्वामी खुशी से झूम रहा था, उसकी बेटी ने उसकी केयर करनी शुरू कर दी थी, उसके लिए ये एहसास नया था। दूसरी तरफ अनुराधा की क्लासेस पूरी हो चुकी थी। क्लासरूम से बाहर आते ही उसने अपने फोन पर नजर डाली, जहां उसे गोस्वामी का मैसेज दिखाई दिया। ये आदमी नहीं सुधरेगा, क्या जरूरत है इसे रोज मुझे पिक करने के लिए आने की। अनुराधा गुस्सा भी थी और खुश भी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि गोस्वामी ने क्यों एक ड्राइवर को नौकरी पर रखा था। उसने जल्दी ही गोस्वामी को रिप्लाई किया, ठीक है मेरी क्लासेस अभी अभी खत्म हुई है, तुम आराम से आओ और प्लीज कार ज्यादा तेज ड्राइव मत करना। उसके क्लास से बाहर आने के साथ ही बच्चे भी तेजी से क्लास से बाहर आने लगे। भागते भागते भी वे अनुराधा को गुड बाय कहना नहीं भूल रहे थे, गुड बाय मैम, गुड बाय टीचर। अनुराधा ने भी मुस्कुराकर उन्हें गुड बाय कहा। अभी वो उन्हें गुड बाय कह रही थी कि उसकी नजर वहां नजदीक ही कोने में खड़ी एक औरत पर पड़ी, लेकिन अनुराधा ने उस औरत पर ध्यान नहीं दिया और पलट कर आगे बढ़ गई। उसका पूरा ध्यान बच्चों पर था। अचानक से उस औरत ने उसका नाम पुकारा, अनुराधा। कौन हो सकती है वो औरत जिसे अनुराधा का नाम तक पता है? अनुराधा एक पल के लिए बर्फ की तरह जम गई। उस आवाज को सुनने के बाद जो सदमा उसे लगा था, उसे उबरने में उसे अच्छा खासा वक्त लग गया। कुछ देर बाद फाइनली वो पीछे की तरफ पलटी। उससे कुछ दूरी पर ही वो औरत खड़ी थी जिसने अभी कुछ पल पहले उसका नाम पुकारा था। उस औरत ने कमर के ऊपर पेट तक जाती एक जीन्स पहन रखी थी। उसकी येलो कलर की टॉप जीन्स के अंदर इनकी हुई थी, साथ ही उसने एक लंबा श्रग पहन रखा था। वो दिखने में किसी मॉडर्न स्टाइलिश लड़की की तरह लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद रिंकल्स उसके उम्र की चुगली कर रहे थे। वो कोई जवान लड़की तो कतई नहीं थी, लेकिन अनुराधा के लिए उस औरत को पहचानना जरा भी मुश्किल नहीं था। जो औरत उसके सामने खड़ी थी, उसी ने आज से 20 साल पहले उसकी जिंदगी को 180 डिग्री तक घुमा डाला था। वो वही औरत थी जिसकी वजह से वो और गोस्वामी 20 साल तक एक दूसरे से अलग रहे थे। वो वही औरत थी जिसकी वजह से खुशियों ने उससे किनारा कर लिया। उसके सामने खड़ी औरत रूपा थी। जवानी के दिनों की रूपा के बाल किसी काली नागिन की तरह लंबे हुआ करते थे, लेकिन आज की रूपा के बाल काफी छोटे थे। जिस तरह के आउटफिट इस वक्त उसने पहन रखी थी, उस आउटफिट को उसके छोटे बाल सूट कर रहे थे। उसके छोटे बालों ने उसके मॉडर्न लुक के साथ अच्छा खासा तालमेल बिठाया था। उसे पहचानने के बाद अनुराधा का पूरा बदन जैसे अकड़ सा गया। इतने सालों के बीतने के बाद उसे ऐसा लगा था जैसे अब उसने रूपा को भुला ही दिया है। इस वक्त उसके लिए गोस्वामी के साथ के अलावा और कोई भी चीज जरूरी नहीं थी। अब उसे किसी दूसरी चीज की केयर या परवाह करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अभी रूपा को देखने के बाद 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके साथ, वो उसे सब याद आने लगा। जिस औरत ने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, आज वो उसके सामने खड़ी थी। उसे दोबारा से इतने सालों के बाद देखने पर अनुराधा को एहसास हुआ कि वो आज भी उससे उतनी ही नफरत करती है जितना वो उससे 20 साल पहले किया करती थी। अनुराधा का दिल रूपा से ये पूछने का हो रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका सामना करने की। तो गोस्वामी तुम्हारे लिए यहाँ मुंबई आया है, रूपा ने बेरुखी से सवाल किया। वैसे वो खुद गोस्वामी के लिए उसके पीछे पीछे मुंबई आई थी। जब जब गोस्वामी किसी वजह से मुंबई आता था, तब तब रूपा को ये डर सताने लगता था कि वो जरूर अनुराधा से मिलने के लिए ही मुंबई गया है।
लेकिन इतने सालों में जितनी बार भी वो मुंबई आया, उसने कभी भी अनुराधा से मिलने की कोशिश नहीं की। इस वजह से इस बार के उनके मुंबई ट्रिप को लेकर भी रूपा को यही लगा कि वो अनुराधा से मिलने की कोई कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस बार न्यू ईयर के बीत जाने के एक लंबे वक्त के बाद भी जब गोस्वामी वापस अमेरिका नहीं आया और जब उसके अमेरिका ना लौटने की खबर रूपा को मिली तो वो बेचैन हो उठी। जल्दी ही उसे ये बात पता चल गई कि गोस्वामी ने अमेरिका के अपने सभी सर्वेंट्स को उनकी जॉब से छुट्टी दे दी है। बस उसका बटलर गिरदास ही एक ऐसा सर्वेंट था जिसे उसने उसके जॉब से बाहर नहीं निकाला था। उसने उसे भी अपने पास इंडिया बुला लिया था। इस घटनाक्रम से रूपा ने अंदाजा लगाया कि अब गोस्वामी वापस से अमेरिका नहीं आने वाला है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इंडिया आते ही गोस्वामी ने अनुराधा से शादी कर ली थी। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले उड़ते उड़ते उसे ये खबर जरूर मिली थी कि गोस्वामी ने किसी से शादी कर ली है। ये बात गोस्वामी के अनुराधा को मेयर विदित की पार्टी में ले जाने के बाद ही धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई थी। वैसे वो इसे सीक्रेट रखना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। गोस्वामी ने खुद से अपनी दूसरी शादी की खबर को इंटरनेट पर अनाउंस भी नहीं किया था, लेकिन उस पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंटरनेट पर एक्टिव रहते थे। किसी एक के उसकी शादी की खबर को इंटरनेट पर अपलोड करने के बाद धीरे धीरे वो खबर सोशल मीडिया पर फैलनी शुरू हो गई और आखिर में ये खबर उसके अमेरिकन फ्रेंड्स तक भी जा पहुंची। एक म्यूजिशियन के तौर पर उसकी पहचान ग्लोबल लेवल तक थी। ग्लोबल लेवल पर टॉप 20 फिल्मों में जो जो फिल्में थी उनमें से 5 फिल्मों के म्यूजिक को उसने कंपोज किया था। ये बात तो दिमाग को हिला देने वाली थी। कोई ऐसा म्यूजिशियन जिसने हॉलीवुड में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी वो अचानक से इंडिया क्यों लौटना चाहेगा? हॉलीवुड के कुछ फिल्म मेकर्स इस बात से काफी डरे हुए थे। क्या होगा अगर गोस्वामी हॉलीवुड को छोड़कर वापस इंडिया लौट आए और इंडियन फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दे? ऐसे में क्या वो कभी उनके लिए काम नहीं करेगा? इस डर की वजह से इंडिया में गोस्वामी को लेकर आने वाले किसी भी न्यूज पर उन लोगों की कड़ी नजर थी। जैसे ही उन लोगों को गोस्वामी की शादी की बात पता चली, वैसे ही रूपा तक भी ये खबर जा पहुंची। इसके बावजूद भी रूपा ने गोस्वामी की दूसरी शादी की खबर पर विश्वास नहीं किया। हाँ, लेकिन वो थोड़ी परेशान जरूर हो गई। जिस वक्त वो परेशान थी उसी वक्त निभा उसके पास उसकी मदद मांगने के लिए आई। वो रूपा से कुछ ऐसे आइडियाज लेना चाहती थी जिससे कि वो निखिल और कृतिका को अलग कर सके। चूंकि निभा के पास अब अमेरिका में कोई जॉब नहीं रहा था, इसलिए उसने वापस इंडिया लौटने का डिसीजन लिया। वो यहीं कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करने वाली थी। इस तरह से वो अपने करियर को नए सिरे से शुरू करती और साथ ही साथ निखिल और कृतिका को अलग करने के अपने प्लान पर भी काम कर पाती। उसके मकसद को जानने के बाद रूपा तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वो खुद भी गोस्वामी को पाने के लिए वापस इंडिया आने के बारे में सोच ही रही थी। उसे अपने सामने देख अनुराधा गुस्से से पागल हुए जा रही थी। लेकिन फाइनली जब उसने रूपा को कुछ कहा, उसकी आवाज एकदम शांत हो गई। उसका गुस्सा भी मानो रफू चक्कर हो गया था। हाँ, वो मेरे लिए ही यहाँ आया है। वैसे हम पहले भी साथ थे, तुम्हारी वजह से तब हमारी शादी नहीं हो पाई। अगर तब हमारी शादी हो जाती तो आज हमारे खुद के बच्चे भी होते। जो कुछ साल तुमने गोस्वामी के साथ शादी करके बिताए वो कुछ साल मेरे हिस्से के थे जिसे तुमने मुझसे चोरी कर लिया। वो सब सुनने के बाद रूपा ने तीखी नजरों से अनुराधा को देखा। अनुराधा में आए बदलाव ने उसे सरप्राइज कर दिया था। हालांकि वो आखिरी बार उससे 20 साल पहले मिली थी, लेकिन फिर भी अनुराधा में आया बदलाव उसे सरप्राइज कर देगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो जानती थी कि गोस्वामी से अलग होने के बाद जिस इंसान से अनुराधा ने शादी की थी उसके साथ उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल भरी रही। बाद में उस इंसान से उसे डिवोर्स भी लेना पड़ गया।
गोस्वामी को हासिल कर लेने और उससे डिवोर्स हो जाने के बाद भी रूपा ने कभी अनुराधा पर अपनी नजर रखनी बंद नहीं की थी। भले ही वो गोस्वामी के साथ अमेरिका चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने एक यंग प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया, जिसका काम था अनुराधा से जुड़ी हर खबर को उसे बतलाते रहना। हर 6 महीने के बाद उसे उस डिटेक्टिव से अनुराधा से जुड़ी खबरें मिल जाती थी और वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में अमेरिका से पैसे ट्रांसफर कर देती थी। भले ही गोस्वामी को अनुराधा के साथ क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन रूपा उसके साथ होने वाली हर एक घटना के बारे में जानती थी। उसे पता था कि शादी के बाद अनुराधा किन मुश्किलों से गुजर रही थी, कैसे उसने अपने नाकारा पति के करियर को नई ऊंचाइयां दी, उसकी मेहनत ने उसके पति की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों के सुधरे हालात को एंजॉय कर पाती, एक दूसरी औरत उसकी जिंदगी में आ धमकी। जब रूपा को अनुराधा के पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला तो वो खुद को ठहाका लगाकर हंसने से रोक नहीं पाई। अनुराधा के साथ हमेशा यही होता आया था, वो हमेशा किसी ऐसे मर्द के करियर को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी जिसे बाद में कोई दूसरी औरत उससे छीन लेती थी। गोस्वामी और वीरेंद्र इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे। गोस्वामी को उसने अनुराधा से छीन लिया और वीरेंद्र को उससे उसकी अपनी सगी बहन ने। रूपा के लिए अनुराधा किसी मधुमक्खी की तरह थी। ये बात सब जानते हैं कि मधुमक्खियां बड़ी ही मेहनत से अपने लिए शहद इकट्ठा करती हैं, लेकिन आखिर में उनके इकट्ठा किए गए शहद को कोई और लेकर चला जाता है। रूपा ये भी जानती थी कि वीरेंद्र से अलग होने के बाद अनुराधा बिल्कुल कंगाल हो गई थी। जल्दी ही वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई और लगभग मरते मरते बची। उसकी जिंदगी से जुड़ी हर एक बात को जानने के बाद भी रूपा ने कभी गोस्वामी को अनुराधा की मुश्किलों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जितना ज्यादा अनुराधा दुख में रहती थी, उतनी ही ज्यादा खुशी रूपा को उसके ऊपर आए दुखों के पहाड़ को देखने पर मिलती थी। जब शुरू में गोस्वामी और अनुराधा एक दूसरे के साथ थे, तब गोस्वामी गलती से भी किसी दूसरी लड़की पर अपनी नजरें नहीं डालता था। लेकिन आखिर में हुआ क्या, उसने गोस्वामी को हासिल कर ही लिया, अनुराधा को वो नहीं मिला। वो एक लूजर बनकर रह गई। वो अभी भी उसकी नजरों में एक लूजर ही थी, क्योंकि रूपा यहां मुंबई में नहीं थी, इसलिए उसने अनुराधा को उसकी जगह लेने का मौका दे दिया। लेकिन अब जब वो यहां लौट आई है तो अनुराधा को ये भूल जाना चाहिए था कि वो उससे कभी जीत भी पाएगी। रूपा सीधे सीधे अनुराधा को जज कर रही थी। इस वक्त वो पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। उसके चेहरे पर भी एक अलग ही तरह की शांति मौजूद थी। उसे देखकर उसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि एक्चुअल में अनुराधा के मन में क्या चल रहा था। वो अब पहले की तरह मासूम नहीं रह गई थी। इतने सालों के बाद रूपा यही सोच रही थी कि चूंकि अनुराधा ने अपनी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें झेली हैं, तो वो उन औरतों की तरह हो गई होगी जिनके चेहरे पर इस बात को लेकर डिससैटिस्फैक्शन साफ साफ दिखाई देता है कि भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। उनके चेहरे पर झुर्रियों की भरमार रहती है, वो दिखने में बदसूरत सी हो जाती हैं, उनका पूरा फिगर इतना बिगड़ जाता है कि वो किसी को एक्साइटेड भी फील नहीं करवा पाती हैं। लेकिन अनुराधा उसकी इस सोच से एकदम अलग दिखाई दे रही थी। जिन मुश्किलों को उसने झेला था उसके बाद उसे बदसूरत हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो गजब की सुंदर दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर डिससैटिस्फैक्शन के कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके शांत चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की मुश्किल का सामना किया होगा। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, उसकी साड़ी किसी अमीर औरत की साड़ी की तरह फैशनेबल ही लग रही थी। ये सब नोटिस करने के बाद रूपा के एक्सप्रेशन अच्छे खासे खराब हो गए। गोस्वामी अनुराधा के इसी लुक पर तो फिदा हुआ करता था। वो दिखने में हमेशा से सुंदर थी, लेकिन रूपा की नजर में अनुराधा की सुंदरता किसी ऐसी औरत की थी जो अपने बदन को बेचने का काम करती थी। अनुराधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की, रूपा रूखेपन से बोली।
रूपा की नजर से देखा जाए तो अनुराधा ने फिलहाल कुछ ऐसा किया था जो माफ किए जाने लायक ही नहीं था। गोस्वामी मेरा पति है बज्जात औरत, उसे मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे कर सकती हो तुम? रूपा चीखते हुए बोली, उसने तुम्हें 10 साल पहले ही डिवोर्स दे दिया है, इसलिए गोस्वामी अभी भी तुम्हारा पति है वाला ड्रामा तुम मेरे सामने तो मत ही करो। सालों पहले तुम्हारी साजिश और हम दोनों को दिए गए तुम्हारे धोखे के कारण मैंने खुद को गोस्वामी से दूर कर लिया, वरना तुम कभी भी उसे मुझसे छीन नहीं पाती और ना ही कभी उससे शादी कर पाती। अनुराधा रूपा पर गुर्राई। रूपा का चेहरा ये सुनते ही एकदम से डार्क हो गया। जैसे तैसे उसने खुद के बदले एक्सप्रेशंस को अनुराधा के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसने सोचा नहीं था कि गोस्वामी ने अनुराधा को उसकी साजिश के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, यानी वो सच में अनुराधा को फिर से हासिल करना चाहता था। तभी तो उसने ये बात उसे बतलाई ताकि उन दोनों के बीच कोई और गलतफहमी ना रहे। इतने सालों तक उसने अनुराधा की एक बार खबर तक लेने की कोशिश नहीं की और अब देखो कैसे वो उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए बेचैन हो रहा था। इन दोनों लोगों के दिल में जरूर एक दूसरे के लिए काफी डीप फीलिंग रही होगी। तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया है? क्या ये बात गोस्वामी ने तुम्हें बतलाई? खैर, उसने जो भी कहा, ये बताओ कि तुमने उसकी बात पर विश्वास कैसे कर लिया? रूपा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, लेकिन अनुराधा के मन में उसकी बातों ने शक का कोई भी कीड़ा पैदा नहीं किया। रूपा जैसी औरत की बातों पर विश्वास अब तो वो भूल से भी नहीं करने वाली थी। उसकी बातें सुनकर एक बार के लिए उसकी पलक तक नहीं झपकी। मैं एक बार तुमसे धोखा खा चुकी हूँ रूपा, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। तुम झूठी और मक्कार हो, मुझे तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। अनुराधा बेरुखी से बोली, मैं और गोस्वामी ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, अगर उसने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया होता तो दोबारा मुझसे मिलने पर वो गलती से भी आगे आकर खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं करता। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना हमारे देश में अपराध की श्रेणी में आता है। तुम चाहो तो तुम्हें धोखा देने के जुर्म में तुम गोस्वामी को कोर्ट में स्यू कर सकती हो। अपनी बात पूरी करने के बाद अनुराधा वहां से चली गई। उसके एक्सप्रेशन तो शांत थे, लेकिन वो रूपा से बुरी तरह गुस्सा थी। वहीं रूपा को जैसे सदमा लगा था, वो टाइम पे रिएक्ट ही नहीं कर पाई। जब तक वो खुद को संभालती तब तक अनुराधा ऑलरेडी लिफ्ट में पहुंच चुकी थी। रूपा चाहकर भी अनुराधा तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन फिर भी उसने लिफ्ट की तरफ दौड़ लगाई। अभी अभी अनुराधा ने क्या कहा, वो ऑलरेडी गोस्वामी से शादी कर चुकी है, यानी कि अमेरिका में गोस्वामी को लेकर जो अफवाह उड़ रही थी वो सच थी। रूपा को ऐसे लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जब उसने दोबारा से गोस्वामी की जिंदगी में खुद के लिए जगह बनाने की कोशिश नहीं की थी। वो हर दिन कोई ना कोई नया तरीका जरूर ढूंढती थी और अगले दिन उस तरीके को इस्तेमाल भी करती थी। यहाँ तक कि उसने गोस्वामी के सामने आकर अपने ठेहुनों पर आते हुए उससे भीख भी मांगी थी कि वो वापस से उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, लेकिन गोस्वामी ने उसके एक भी नहीं सुनी। वो उसके पास ना आ पाए इसके लिए उसने अपना घर तक बदल लिया। वो उस घर में नहीं रहना चाहता था जहां रूपा जैसी गिरी हुई औरत की यादें बसी थी। उसने अपने नए घर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर किए, जिन्हें उसने सख्त हिदायत दी थी कि वो किसी भी कीमत पर रूपा को उसके घर के आसपास फटकने भी ना दें। लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी जैसी पृथ्वी की तरह गोल घूम गई थी। जिस अनुराधा से उसने गोस्वामी को छीना था वो आज उसी अनुराधा से शादी कर चुका था। रूपा का हाथ अपनी छाती पर चला गया। उसकी छाती में दर्द और जलन दोनों ही जोर से हो रहे थे। वो तुरंत ही बगल वाले फ्लैट में घुसी और ग्राउंड फ्लोर पर आ गई।
हाई हील में होने के कारण उसकी चाल बहुत तेज नहीं थी। अभी वो स्कूल एंट्रेंस के पास पहुंची भी नहीं थी कि उसे अनुराधा और गोस्वामी स्कूल एंट्रेंस के पास साथ साथ खड़े दिखाई दिए। दूर से उसे अपने लिए वो मौका दिखाई दिया जहां वो सालों बाद गोस्वामी से एक बार फिर से मुलाकात कर सकती थी। वो कभी उसकी बीवी थी, कम से कम उसे उससे मिलने का हक तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन गोस्वामी ने उसे उससे मिलने की परमिशन न देकर उसके साथ एक घिनौना मजाक किया था। वो जरा भी नहीं बदला था, वो अभी भी किसी जेंटलमैन की तरह ही दिख रहा था। वो जवानी के दिनों की तरह चॉकलेटी तो नहीं रह गया था, उसके लुक में मैच्योरनेस आ गई थी। इस वक्त गोस्वामी किसी को भी देख नहीं सकता था, रूपा तक को नहीं। उसकी आंखें बस अनुराधा पर टिकी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए अनुराधा को देख रहा था। कुछ इस तरह की उसकी प्यार भरी नजर अनुराधा के बदन को चीरते हुए उसकी हड्डियों तक भी चली जा रही थी। रूपा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर गोस्वामी को दूसरी शादी करनी थी तो वो किसी रसूखदार सुंदर औरत से शादी कर सकता था, फिर क्या जरूरत थी उसे वापस से अनुराधा के पास लौटने की। वो अनुराधा जिसकी बीमारी ने उसकी आधी सुंदरता को उससे छीन लिया था। माना कि वो उसका पहला प्यार थी, लेकिन तब की परी जैसी अनुराधा और अब की अनुराधा में जमीन आसमान का फर्क था। उस औरत में ऐसा क्या खास था जो इतने सालों के बाद भी गोस्वामी उसे भुला नहीं पाया था। रूपा को अभी भी याद था, जब उसे उसके धोखे के बारे में पता चला तो वो कैसा महसूस कर रहा था। उसके चेहरे को उस वक्त जो कोई भी देखता वो आसानी से ये समझ जाता कि तब गोस्वामी का मन सुसाइड कर लेने का कर रहा था। वो किसी बूढ़े पेड़ की तरह सूख चुका था। रूपा के सच को जानने के बाद उसने हर वो तरीका अपनाया जिससे कि वो उसे डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सके। जब उसने उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया तो कुछ वक्त के लिए वो शराब के नशे में डूब गया। तब उसकी आंखें हमेशा किसी नशे में धुत इंसान की तरह लाल रहती थी। तब ऐसा कोई मौका नहीं होता था जब उसने ड्रिंक नहीं कर रखी होती थी, लेकिन बुरी तरह नशे में होने के बाद भी वो हर वक्त अनुराधा का नाम पुकारता रहता था। कभी वो रोता, कभी वो हंसता, उसका हर पल बस अनुराधा को याद करने में गुजरता था। ऐसा कुछ महीनों तक लगातार चलता रहा। एक तरह से शराब ने उसे मार ही डाला था। लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ और मुश्किल से मौत के मुंह से बाहर आया, तब उसने शराब से धीरे धीरे दूरी बना ली। गोस्वामी की तब की हालत को देखने के बाद रूपा को एहसास हुआ कि वो अनुराधा को कितनी शिद्दत से प्यार करता था। वहां स्कूल एंट्रेंस पर जब अनुराधा चेहरे पर गुस्सा लिए किसी और के ख्याल में खोई हुई थी तो गोस्वामी एकदम से घबरा गया। अनु, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं मैंने तुम्हें नाराज तो नहीं कर दिया? अगले ही पल गोस्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए ना आऊं? मैं पक्का अगली बार से तुम्हारी बात मानूंगा, तुम प्लीज गुस्सा मत हो। नहीं, वो बात नहीं है, अनुराधा ने कहा, बेकार में इतना कुछ मत सोचो। अनुराधा के नाराज होने की वजह गोस्वामी नहीं, रूपा थी। वो गोस्वामी से कैसे गुस्सा हो सकती थी? फाइनली उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हारी वजह से अपसेट नहीं हूं बाबा। तो फिर किस वजह से अपसेट हो तुम? क्या तुम्हारी क्लास में कोई इशू हुआ या फिर स्कूल वालों ने तुम्हें परेशान किया? गोस्वामी बिना रुके उससे सवाल पर सवाल करने लग गया। या कहीं किसी बदमाश स्टूडेंट ने तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया? फाइनली कुछ देर तक शांत रहने के बाद अनुराधा ने कहा, स्कूल में मेरी मुलाकात रूपा से हुई। गोस्वामी उसका नाम सुनते ही बर्फ की तरह जम गया। वो यहाँ क्या कर रही थी? उसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? वो कब आई? क्या वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी? क्या कहा उसने तुमसे? अनुराधा ने गोस्वामी का हाथ पकड़कर जोर से दबाया। इतना पैनिक मत करो, मैं सब बताऊंगी, पहले मुझे यहाँ से ले चलो। गोस्वामी ने तुरंत हाँ में अपने सिर को हिलाया
और किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। रूपा से आमना सामना होने के बाद अनुराधा थोड़ा परेशान हुई, लेकिन गोस्वामी तो उसका नाम सुनते ही परेशान हो पड़ा था। रूपा से कभी उसकी शादी हुई थी, ये सोचते ही गोस्वामी का मन उल्टी करने का होने लगा। जब वो अनुराधा के लिए कार का दरवाजा खोल रहा था, तब उसे स्कूल के गेट के पास आती रूपा दिखाई पड़ी। उसके दिल में जो नफरत रूपा के लिए थी, उसने अपनी आंखों से ही उसे जाहिर कर दिया। उसकी नफरत भरी नजर को देखते ही रूपा को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसने एक गहरी सांस ली। अच्छा, तो मुझे देख तुम्हें घिना रही है? अब तो मैं तुम्हारे सामने भी आऊंगी और तुमसे मिलूंगी भी। तो क्या हुआ जो तुमने अनुराधा से शादी कर ली? एक बार पहले भी मैं तुम दोनों को अलग कर चुकी हूँ, इस बार भी मैं तुम दोनों को अलग कर ही दूंगी। इन ख्यालों के साथ रूपा ने अपने कदमों को तेज किया, लेकिन इतने में गोस्वामी अपनी कार में बैठा और तेजी से कार को ड्राइव करते हुए वहां से आगे बढ़ गया। कार कुछ पल के लिए एक्सीलेट हुई और जब रूपा कार के करीब पहुंची तो उसके मुंह पर धुएं का गुब्बार उड़ाते हुए वो आगे बढ़ गई। रूपा का पूरा मुंह उसके कैरेक्टर की तरह काला हो गया। वो गुस्से में गोस्वामी की कार को अपनी नजरों से दूर जाते हुए देखती रही। तो तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखो। रूपा को देखने के कारण कार ड्राइव करते हुए गोस्वामी की हालत डर के मारे खराब थी। उसके डरे हुए चेहरे को देख अनुराधा खुद को खिलखिलाकर हंसने से रोक नहीं पाई। एक अकेली रूपा ने उन दोनों के मूड को अफेक्ट कर दिया था। अनुराधा ने खुद को जल्दी ही शांत कर लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, मेरे अपसेट होने की वजह से तुम परेशान हो गए। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर गोस्वामी की कलाई को थाम लिया। तो क्या हुआ अगर वो यहाँ मुंबई आ गई है? तो हम पहले ही शादी कर चुके हैं, अब हम एक हैं। वैसे भी हम उसकी साजिशों और धोखे से अनजान नहीं हैं, इसलिए वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इस बार वो हमें अलग नहीं कर पाएगी। हमें दोबारा से एक दूसरे से ना तो दूर होना पड़ेगा और ना ही वो सब सहना पड़ेगा जो हम सालों से एक दूसरे से अलग रहकर सहते आ रहे थे। लेकिन एक बात तो थी कि उन्हें रूपा से अलर्ट रहना था। वो उसे हल्के में नहीं ले सकते थे। वो उनकी जिंदगी को एक बार बर्बाद कर चुकी थी। उन्हें दोबारा से उसकी चालों का शिकार नहीं होना था। तब गोस्वामी ने अनुराधा से सवाल किया, उसने तुमसे क्या कहा? गोस्वामी ने कुछ पल पहले भी उससे कई सवाल पूछे थे। अनुराधा एक साथ उन सवालों के जवाब देने लगी। मुझे नहीं पता कि वो मुंबई वापस कब आई। हाँ, लेकिन आज मेरी क्लास के खत्म होने के बाद जब मैं क्लास से बाहर आ रही थी तो वो अचानक से मेरे सामने आ गई। उसे ये बात नहीं मालूम थी कि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है, अनुराधा ने आगे कहा। उसने मुझसे ये कहा कि तुम दोनों का अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम उसके पति हो। उसके हिसाब से मैं वो दूसरी औरत बन रही थी जो उसके घर को तोड़ना चाहती है। गोस्वामी तुरंत ही उसकी बात को काटते हुए बोला, मैंने सच में 10 साल पहले ही उसे डिवोर्स दे दिया था। मुझे तुम पर भरोसा है, अनुराधा ने कहा। ऐसा अब कभी भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारी बात पर कभी भरोसा ना करूं। लेकिन गोस्वामी डरा हुआ था। उसे डर था कि रूपा पिछली बार की तरह फिर से उसे अनुराधा की नजरों में घिरा देगी। अनुराधा मुस्कुरा उठी। मैं एक बार उसकी बातों में आकर तुमसे अलग हो चुकी हूँ। उस बात से मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाली हूँ।